हमारी जीत हो गई, बस और कुछ कहना हम नहीं चाहते। जय रंजोर मियां चोर, जय रंजोर मियां चोर, मतलब मियां की मां चुनाव। आपने देखा था? हाँ। क्या देखा था? मारा था उन लोग को, तलवार से मारा था, मेरे दादा को मारा था, मेरी चाची को मारा था, और है ना मेरे पापा मेरे दादा को बचाने गए ना, तो मेरे पापा की डोंगी कर दी, इतनी कटी, सबको काटा था, औरत लोग को नंगा नंगा कर करके काटा था आपके सामने। हाँ, और मेरी चाची को भी नंगा काट करके काटा था, और आदमी लोग को कपड़े उतार कर नहीं काटा है। किसने किया? वो हिंदू लोग आए थे ना। गौरव यात्रा क्या है? गौरव यात्रा क्या है? गौरव यात्रा इतने देशनी बदे यात्रा गुजरात। तो किस चीज़ का गौरव मना रहे? मतलब गुजरात का वो छोकरा नौरा मोटा बजाय बड़ी लोग। गौरव यात्रा है वो एक जो पार्टी ने जो काम किया है उसका जो प्रदर्शन करते हैं, तो पार्टी की जो कार्यकर्ता ने काम किया है जो पार्टी का समय में। ये दिखा दो ना, यहाँ थोड़ी देर के बाद नरेंद्र मोदी जी की रथ यात्रा आने वाली है। ये दिखा दो ना, यहाँ थोड़ी देर के बाद नरेंद्र मोदी की रथ यात्रा आने वाली है।
आप भी गौरव यात्रा के लिए आए हो? क्यों? गौरव यात्रा क्यों हो रही है कुछ पता? गुजरात गौरव यात्रा अपनी गुजरात अगबू गुजरात। ये गौरव यात्रा क्यों हो रही है? इसका कारण क्या है? ये तो सही ढंग से तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन ये बात है कि ये गुजरात में इनकी कामगिरी जो अच्छी हुई है, ये नाम है गौरव यात्रा निकलने वाली। तो आप स्कूल में टीचर हैं? तो बच्चों की छुट्टी करा दी आपने? नहीं, स्वागत के लिए। स्वागत तो सब क्या करे अब। તમારા કોંગ્રેસના મિત્રો પૂછે છે અમને, શેનું ગૌરવ? એમણે જયારે પૂછ્યું કે શાનું ગૌરવ, મેં કહ્યું ભાઈ તો મારા માટે આ ગૌરવ યાત્રા કાઢવી ખૂબ જરૂરી છે। આજે તો એટલો સમરાય છે કે આપણે ગુજરાતને એટલે હુલ્લર કરવા વાળા, આપણે ગુજરાતને એટલે ચક્કા લઈને ફરવા વાળા, આપણે ગુજરાતને એટલે લૂંટફાટ કરનારા, આ ગુજરાતની આબરૂને ખતમ કરવાનો એક નિશ્ચિત પ્રકારનો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે, અને એની સામે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એક બીડું ઉઠાવ્યું છે। લોકો ગુજરાતને બદનામ કરવા માટે લાખ કોશિશ કરે, પરંતુ ગુજરાતની સાચી વાત ડંકાની ચોટ પર દુનિયાને કહેવાનો મેં નિર્ધાર કર્યો છે। ગોધરા 27 ફરવરી 2002 સુબહ 7:43 હજાર સે ભી જ્યાદા લોકો કી એક પ્રબલ ભીડ, વિવેકહીન દંગાઈ, એક સાથ ગોધરા સ્ટેશન મેં સાબરમતી એક્સપ્રેસ પર ટૂટ પડે। निर्दयता से जिंदा जला दिए गए। अट्ठावन लूट लाशें, नर में निहित पशुता का जैसे एक और सबूत पेश कर रही थी। जनमानस और गुजरात की सरकार के लिए गोधरा और इसके बाद की घटनाएं एक और अग्नि परीक्षा बन गई। अग्नि परीक्षा।
हुआ इसको? जल गए। जला है इसको, जला दिया। और इससे कोबड़े भाई इसके उनको मार डाला, उनको पता नहीं है। और उसकी माँ का भी पता अभी चला है कि उसकी माँ का हाथ काट डाला और सिविल में। इस तारीख हमारे देहरोल गांव में 10 बजे से हमारे मस्जिद पे हमला करने आए। 9-10 बजे से हमला भूख गया था, हम रोटी पका रहे थे। 10:30 बजे सब टोला आया। 10:30 बजे ने 5,000 के टोले आए। इधर से 5,000 का टोला, इधर से टोला है, हम कैसे भागे एकदम? ये हिसाब लग से भाई, कुछ जवाब नहीं। ये गली में से वो गली में सब सब घुस गए। और ऐसे पगे बांधे लेते, चड्डे पहने लेते, मार के थे जान खा के थे। हमने तो देखे नहीं, बस सिर्फ ये देखा चड्डी बांध ली थी उनकी, बांध ली जर्सी और मुँह बंधा हुआ था। किसी के लंबे टीले थे, किसी ने ऐसा मुँह बंधा हुआ था। हिंदू ने किए, हम लोग निकल गए थे तो हमको क्या मालूम हिंदू ने जलाया। तो भाई आपने देखा कि हिंदू ने जलाया? हाँ मैंने देखा, मैं सीताबेन बोल रही हूँ, मैंने देखा देखा देखा। चाहे जाए हाथ में फोटो में दे देना, मार डाल के मर जाऊंगा। कैसे टोले? अरे आपको क्या ख्याल आएगा, गांवों में चिट्ठियाँ बेची गई थी कि ये सरखेज है, वो पीनी मुस्लिम मिनी पाकिस्तान है, उसको मिटा दो। तो गांवों में से ट्रक भर भर के लोग आते थे कि मारो ने काटो, यहाँ यहाँ भाई चाहिए ही नहीं कि हमको भारत के अंदर। तलवार आती सूल बद्रन दल वाले ने शीशे ना वाले का पेट्रोल के डब्बे केमिकल का पाउडर ऐसा सब डालते थे मुँह पे, सिलकते काकड़े यूँ भागे यूँ डाला करते थे। अभी तो इन लोगों ने पिचकारियाँ रखी थी, फिर जब हमारे घर जलाए ना तो इन्होंने क्या पिचकारी सी जलाए, ताले भी मारे थे, उसको भी तोड़ काटे और दीवार को है ना उस गैस के बाटलों से करे। हाँ गैस सिलेंडर के बाटले भी थे, पूरे पूरे हथियारों के समेत अच्छे अच्छे हथियार लेके आए थे बड़े, जैसे राइफल भी अमुक लोगों के पास थी, रिवॉल्वर थी, फायरिंग भी हो रही थी प्राइवेट सामने। सबके हाथों में मोबाइल, सबके हाथ मोबाइल, एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में मोबाइल थी। तो मोबाइल पे बात करते जावे न तलवार से अटैक करते जावे। जो उनके हाथ में आए सब कुछ किए, पुलिस के साथ में, पुलिस उनके आगे आगे पीछे टोला, पुलिस के साथ में सब कुछ चला। पुलिस खड़े, पुलिस ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। पुलिस खड़े रहते हमारे को यूं कह रही है, बोला इनको जाके मार डालो। पुलिस ने खुद ने किया, वहाँ तंबू बांधेला है शहर कोटा पुलिस स्टेशन। और हमारे सब जवान छोकरो पुलिस ने मारा है, पब्लिक ने नहीं मारा, एक पब्लिक ने मारा। देखो इस छोकरे को, ये छोकरे को देखो, इसको मारा, पुलिस को मारा, पुलिस वाले ने आके मारा है और पुलिस वाले अंदर घुस गए और चला चला गया हमारी बहन बेटी को मारा है। फायरिंग चालू है। सामना करने भी जाए तो हमारी तरफ टायर गैस और बंदूक फायरिंग हमारी तरफ कर रहे थे, वो तो औरत जात का सामना कर लेंगे और कैसे कर लेंगे उनके साथ हथियार के साथ। हमारा जीते की चाली में मेरा भाई है, उसको पुलिस वालों ने गोली मारी और उसके साथ में 8 छोकरे और थे, उसको सीने पे सबको गोली मारी।
नहीं आया, दूसरे दिन तीसरे दिन आया 2 मार्च को, तो देखा टोटल लॉस था मकान, बारी में से देखा तो दागीने थे चांदी के वो जले हुए, और ये पैसों की जब गड्डियाँ वो खींचने लगी तो मैं बोला ये क्या, बोले ये मेरे पैसे थे। मैंने उनको गुस्से में लाफा मारा, उनको ऐसे टाइम में भी हमको बताना नहीं चाहिए था कि पैसे हमारे पास पड़े। 17,650 रुपये बचे थे उनके पास, वो रखे हुए थे, ये मुझे मालूम होता तो शायद पैसे जेब में डाल के निकल जाते। अब जितने बचे थे इसमें टुकड़े और ये बंडल जैसे वो टिफिन में रख के ले गए। अभी भी आपने इसको एकदम सहेज के रखा हुआ है? हाँ, क्या करूँ, अब ये गम है मेरे लिए, इसे देखूँ और जीता रहूँ। क्या करे, बचता रहे थे, लाए उधार सुधार करके लाए, पैसे वैसे नहीं मिले, करने का क्या, हम बहुत पछता रहे। किस बात पे पछता रहे? चीजें जल गई धंधे करने की, और माल जल गया 9,000 का पाइनएप्पल, करने का क्या। हमारे साथ जो चालू हुआ है वो हमारा दिल जलता है, हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। कौन बताए, किससे पूछे, सब तो है, इंसान कहाँ है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये सब कुछ है, कैसा क्यों है, आज भी कल के जैसा क्यों है। अरे कौन बताए, किससे पूछे, सब तो है, इंसान कहाँ है, जले हुए ये घर किसके हैं, कटे हुए ये सर किसके हैं, नैजे और खंजर किसके हैं, ये खूनी मंजर किसके हैं। पीछे मकान है उनका दामाद, 5 आदमियों ने उसको इतना बेरहमी से मारा कि उसने अपने हाथों पे, जब तक उसके कलाइयों में दम रही, वो आप ही जैसा नौजवान था, फिर वो जब गिर गया तो टायर जलाया, और यहाँ से और यहाँ तक टायर रख के ऐसा जला कि पैर एड़ियाँ हाथ रगड़ रगड़ के, वो जगह वो वक्त अभी तक मुझे याद है, लेकिन मैं आँख भी बंद कर लेते थे और यूँ कान भी बंद कर लेते थे कि कहीं ऐसा ना हो मेरी चीख निकल जाए तो कम से कम 300 बच्चे और औरतें आदमी मारे जाते उस मकान के अंदर। कौन बताए, किससे पूछें, सब तो है, इंसान कहाँ है, धर्म कहाँ, ईमान कहाँ, खुदा कहाँ, भगवान कहाँ, अरे सच पूछो तो इंसान कहाँ, मेरा प्यारा हिंदुस्तान कहाँ। कौन बताए, किससे पूछें, सब तो है, इंसान कहाँ है। हम कोई जानते नहीं थे कि यहाँ तूफान होगा अपने गांव में, या हमारे सामने हमारे बोरे की दुकान था, वो दुकान को लूटा और जलाया, फिर वहाँ से राम बोलो जलाओ, काटो मारो जलाओ, दारू पिला दिया फूल, दारू में वो फूल कर दिए लोग। कुदरत की करना ऐसा है कि हम लोग दरी के अंदर चले गए और रात हो गया, हम लोग हाथ नहीं आए, नहीं तो हमको मार डालते जान से। एक घर से 20, एक घर से 25, एक घर से 17, कोई घर से 12, कोई घर से 8, कोई जैसे था, घर ताले फूट लिए, सब न खोदवा लिया, कोई के एक छोकरी बची, कोई के एक छोकरा बचा, कोई का आदमी बात पागल होके चला गया, और आए थे किड़ियाट के बच गए तो यहाँ आ गए। दिन दिन की भूखे प्यासे, पानी पिलाओ, वो लोग पेशाब पिलाइए, पानी कैसे पिलाइए, ऐसा छोटे छोटे बच्चे बूम पड़े, नीचे फेंके, ये सब आप तलवार के अंदर बुला के आग के अंदर डाले, मेरे को भी आग खुल जाएगी तो यही नजर में पड़ता है। पूरा खत्म खत्म कर दिया सब, पूरी ट्रेन को जलाने का षड्यंत्र था, कार सेवकों ने प्रतिकार किया,
पूरी ट्रेन नहीं जला पाए, 69 लोगों को जिंदा जलाया। गोधरा के रेलवे स्टेशन तक आतंकवाद इसलिए आया, ये देश में महात्मा गांधी की विचारधारा चल रही है। हमने 28 तारीख को महात्मा गांधी को अपने घर में ताले में बंद कर दिया था। या तो तुम गजनी छोड़ दो या हम गांधी को छोड़ देंगे, और जब तक ये धरती पर गांधी की अहिंसा की विचारधारा, मुसलमानों के सामने घुटने टेकने की विचारधारा हम नहीं छोड़ेंगे, आतंकवाद नहीं निपटेगा। मेरे भाइयों, हमें गांधी को छोड़ना होगा। मुझे रामायण की घटना तो आप जानते हैं, वह गोधरा के साथ वह आज भी प्रस्तुत है। 27 तारीख सुबह 7:45 सिग्नल फलिया के पास जलाया हुआ S6 का डिब्बा वह हनुमान जी की पूछ थी। हनुमान जी की पूछ किसने जलाई? किसने जलाई? रावण ने जलाई। हनुमान जी घूमने के लिए निकले, सुना है कि हनुमान जी गोधरा में आए थे, आलोल में आए थे, कालोल में आए थे, सरदारपुरा में गए थे, और कर्णावती में से तो वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र नू बैरामपुरा प्रखंड आपनु हार्दिक स्वागत करे छे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, भारत माता की जय। और ये बैरामपुरा इलाका ऐसा है कि नरोड़ा पाटिया के बाद सबसे ज़्यादा मतलब तूफान इसी इलाके में हुआ ऐसा हम कह सकते हैं। इस रास्ते से अगर हम निकलना चाहें तो जिंदा नहीं निकल सकते। यानी यहाँ दंगाई लोग यहाँ पर इनका क्या पता गढ़ है या क्या है, आप देख लीजिए पूरे झंडे लगाए। तो हम लोगों को जो कॉल मिलते थे वहाँ पर हम जो पेशेंट और जो या इंजर्ड को लेकर जाना जाते थे हॉस्पिटल के लिए, तो हमको जगह जगह रोका जाता था। सिर्फ इसलिए सबकी नज़र से देखा जाता है कि इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो मुस्लिम, वो दंगाइयों को तो रोकते नहीं लेकिन एम्बुलेंस को तो रेगुलरली रोक के कहा जाता था कि इसमें हथियार जाते। यहाँ जो पुलिस का पॉइंट था ये उस वक्त भी पॉइंट था, सामने जो पॉइंट है SRP का और उसके पास में ये लोग तलवारें ले लेके खड़े होते थे। उनको कोई रोकता नहीं, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं, कोई उनको मना नहीं किया जाता। और एक बार तो हमारी एम्बुलेंस को रोक कर ये और सभी व्हीकल वालों को रोक कर ये कहा गया कि भाई आप लोग पहले जय श्री राम बोलोगे तभी हम आपको आगे जाने देंगे, नहीं तो जाने नहीं देंगे। लोगों के सर फटे हुए हैं, किसी को गोली लगी हुई है, तो ये पेशेंट जितना लेट पहुँचेगा हॉस्पिटल में हो सकता है कि इसकी वजह से इसकी मौत हो जाए, तो उसकी जान की परवाह किए बगैर उसको बचाने की जो इंसानियत की जो मानवता की जो बात होती है वो भी मतलब इस बार पुलिस में नज़र नहीं आई। हमने ये रास्ते से हम लोग BS हॉस्पिटल जाते थे, ये हॉस्पिटल पे जाने से ज़्यादा हमको फ़ायदा यही है कि इधर लेफ्ट साइड में जो पूरी आबादी है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी यानी माइनॉरिटी के लोग हैं। BS वाड़ीलाल साराभाई जनरल हॉस्पिटल के नाम से है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VS जनरल हॉस्पिटल कहा जाता है। ये रास्ता जो हम जा रहे हैं ये सीधा कैजुअलिटी की तरफ जाएगा। कितने लोगों को लेकर आए हो? हम लोग यहाँ कम से कम 500 से 700 कई डॉक्टर्स ऐसे थे मतलब जिन्होंने जिनका रोल और उनकी एटीट्यूड सही नहीं लगी। अब उसको ये एहसास ही नहीं कि इसका जो ब्लीडिंग होता है इसको ब्लीडिंग रोकने के लिए जो प्राइमरी ये होना चाहिए कि दूसरा काम छोड़ के पहले उसको रोका जाए ताकि उसका खून कम बहे तो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाए, लेकिन वो इतने इत्मीनान से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की नेगलिजेंस की वजह से बिल्कुल नेगलिजेंस की वजह से मैं तो ये मानता हूँ कि काफ़ी अगर इसको अगर अपने इसका स्टडी करें इसका सर्वे करें हम लोग तो काफ़ी यानी मतलब मौतें इस वजह से भी यानी हुई होती हुई हमको नजर आई। ऐसा लगता था कि ये हाँ तो इलेक्शन पूरतू से आज जनरल क्या क्या हॉस्पिटलों से शू है बधु देखिए हॉस्पिटल में नहीं बजाना चाहिए। देखिए अभी आगे उसने पूछा ना किस चैनल वाले हैं, यानी ये इसका पूरा वॉच होता है इस हॉस्पिटल पर हमेशा से। रात को 2 बजे भी अगर कोई पेशेंट और इंजर्ड आता था
कैजुअलिटी के पास 10-12 लड़के आके एम्बुलेंस के आसपास खड़े हो जाते। ब्रिज के इस तरफ ज्यादा दंगा हुआ, उस तरफ बिल्कुल नहीं हुआ, उस तरफ खाली लूटपाट हुई। बड़े घर वाले थे ना, गाड़ियां लेके लूट करने आए थे, सुखी घर के लोग लूट करने आए थे। मिडिल क्लास के लोग? नहीं, मिडिल नहीं, रिच। कौन कौन से शोरूम लूट लिए? पेंटालून है, कोई ज्वेलर्स का था। मेरे ख्याल से पार्टनर में हिंदू भी है। फिर क्यों जलाया गया जब हिंदू का है तो? पार्टनर मुस्लिम होगा। हाँ। तो लोगों को यूं लगा कि वो मुस्लिम का ही शोरूम है। पुलिस खुद बोल रही थी कि आपके पास हथियार है तो जाओ, हथियार नहीं है तो मत जाओ। मतलब हथियार? अगर मुस्लिम इलाके में जाना है तो हथियार बिगर मत जाओ, नहीं तो वापस नहीं आऊँगा। यही अच्छा। हाँ, और मुस्लिमों के पास तो बहुत सारे हथियार है, वो कहाँ से आते हैं वो पता नहीं है। और हिंदू के पास तो सिर्फ लाठी और कहीं तलवार होगी और कुछ नहीं होगा। अभी ऐसा है कि जब धमाल चलती है ना तब अफवाह चलती है कि यहाँ मंदिर तोड़ दिए, तो अगर दूसरा सुनता है यहाँ मंदिर तोड़ा तो वो एरिया में वो मस्जिद तोड़ देते, ऐसा है। तो आपने क्या आवाज सुनी थी कि कौन सा मंदिर टूट गया? मंदिर तो बहुत सारे टूटे थे कि ये मूर्ति खंडित कर दिया, वो किया। आपने कोई देखी? मैंने तो देखी नहीं, मैं गया नहीं देखने के लिए। मैंने पेपर में पढ़ा था कुछ। कौन से पेपर में? संदेश में। यहाँ ये हनुमान जी का मंदिर टूटा, यहाँ शंकर भगवान का मंदिर को उन्होंने वो किया। ये इसनपुर है, इसनपुर बस स्टैंड, बस स्टॉप के पीछे ही मस्जिद है, इसन मलिक मस्जिद, इसन मलिक की मस्जिद। दरगाह रोड के बीच में थी दरगाह, वो दरगाह दंगे के टाइम पर निकाल दिया। निकालने के बाद तुरंत म्युनिसिपैलिटी वालों ने रोड बना दिया दरगाह के ऊपर। ये पूरा प्लेस ये वाला, ये वाला। ये जब दरगाह टूटी ना, दरगाह तो थोड़ी पब्लिक ने, और रोड बना दिया कांग्रेस की म्युनिसिपैलिटी, अभी तक उसी ने रोड बना दिया, दूसरे ही थी। ये कुएं में वो यहाँ दंगा हुआ था ना। हाँ। हिंदू मुसलमान का, तब सब लोग जला जला के इसमें फेंक रहे थे। अब इस कुएं के साथ में खड़े होकर क्रिकेट खेलते हो, कैसा लगता है? हमको तो कुछ डर वैसा लगता नहीं, वैसे तो बॉल अंदर चली जाती है तो क्या कर, डर लगता है, फिर भी उतर जाते हैं। बॉल के लिए उतरना पड़ता है, बॉल बहुत महंगे होते हैं, इसलिए मैच के सारे पैसे बॉल में जा रहे थे। 25 रुपीज का बॉल आता है। इधर क्या हुआ ना, थोड़ा गुंडा लोग बोलते हैं ना वैसे, उन्होंने ऐसा किया था, सब लुखे बोलते हैं ना वैसे सादी भाषा में। तो आपके एरिया के लुखे थे कि बाहर के लुखे? उनका तो क्या, हम सब कैसे मालूम? से माल आया था सब इधर, ये सब अफवाह फैला रहे। आपने क्या देखा? कुछ नहीं, बस वो पत्थर मार रहे थे, वो लोग छुप गए थे, बाद में मुसलमानों को मारा। कितने? वो तो हमने नहीं गिना। क्या सुना है? कुछ ज्यादा ही मरे, औरत ज्यादा मरी है और बच्चे। वो आपने देखा? हाँ, लाश निकाली थी ना ट्रक में जब हमला हो रहा था, तब भी देखा आपने? नहीं, दूसरे दिन लाश निकाली थी ना,
ट्रक भर भर। कितने ट्रक भरे थे? चार। जब आपने वो देखा तो आपको क्या लगा? ये सब होना है। बस बंद कर दो ना। नहीं बताओ ना। बस हो गया। क्यों? इतना ही बता रहा है। याद करने में बुरा लगता है। हाँ सर ऐसा झूठ झूठ नहीं बोलेगा। 24 घंटा खड़ा था मैं। आपका नाम क्या है? युवराज। युवराज सिंह। कहाँ रहते हो? SRP पुलिस का लड़का है। तो जो टोला है तो वो इतना चारों बाजू से है कि और रोड पे से? तो फिर लोग भागे क्यों नहीं निकलते? भागने का मौका ही नहीं मिला था। बंदूक ले लेके पुलिस वाले खड़े, तो हमने हाथ जोड़े, मैं साहब हमारे मासूम बच्चा को जाने दो। तो बोलता है मासूम बच्चा, काहे का मासूम बच्चा, चल निकल निकल, गाली देने लग गया वो नंगी नंगी। बोला जाओ भेड़ दो आज तुम्हारे को बचाने के ऑर्डर ही नहीं है, मरना है आज तो तुम। तो मेरे बच्चे रोने लग गए कि अपने को तो अब यहाँ भी मार देंगे। हम निकल गए वहाँ से। बोले जाओ नरोड़ा की तरफ, तुम्हारे लिए रास्ता सहायता के लिए खड़े। तो हम इतनी दूर चले यहाँ से, रो रास्ता तो वहाँ पूरा खेतर भर रहा। जितने 100, 200, 300 की टेंशन थे सबको घेर लिए। घेर के तुरंत पेट्रोल केरोसिन ये सब फेंकने लगे, उसमें सब जलने लग गए। अब हाथ तो पकड़े जाएंगे, सब जलने लगे। फिर मैंने ये छोकरा जला था, इसको मैंने उठा के इसको दीवार के पीछे फेंक दिया। वहाँ पे एक दीवार थी, कोर थी, उसके पीछे इसको फेंक दिया। फिर एक बच्चा मेरा मेरे नंदोई के हाथ में था, उसको मैं बचाने के लिए गई तो सारे जहरीले इंसान मेरे ऊपर गिर गए। तो ये हाथ में, ये हाथ में, ये पाँव में, सब में आग लग गई। जैसे कि मैं तो सबके अंदर दब गई थी, नीचे पड़ी थी सब, और काफ़ी लोग मेरे ऊपर पड़े थे, और जो ऊपर ऊपर थे वो काफ़ी जल गए और ख़त्म हो गए। गरम गरम ऐसी आग जैसी लग रही थी। मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं ज़्यादा जलूँगी नहीं तो शायद ये अंदर घबराहट से ही मर जाऊँगी। ऐसे तो हमारे घर में 6 इंसान मरे हुए हैं। एक तो मेरी फप्पू है, नंदोई है, और मेरी ननंद है, और मेरे 2 लड़के हैं, मेरे नंदोई। 6 इंसान के मरण है हमारे घर में, और 4 इंसान घायल। जैसे एक मैं खुद घायल हूँ, ये है मेरी एक जेठानी है जरीना बानू, उनका भी हाथ कटा हुआ है, सर में तलवार मारे, मेरे जेड जले हुए हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम वसीम है, छोटे का नाम सलीम है। 8 बरस की उम्र है उसकी, एक की 6 बरस की। आज भी याद आते हैं तो अफसोस, मेरे आगे पीछे रहते थे बच्चे, कभी अकेलापन में याद आती तो कभी रातों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। रातों को वो सीन याद आते हैं, हमारे बच्चों ने हमारे सामने दम तोड़ दिया, हम भूल पाएंगे? हमको न्याय मिलेगा तो भी हम नहीं भूल पाएंगे। जो कुछ था वो चला, चाहे सरकार जितना भी रुपया ले, हमें थोड़े कुछ तो थी, जवान लोग कर रहे थे सुरक्षा तो, लेकिन उन लोगों ने चारों तरफ से घेरा था ट्रेन को। जो हमने मीडिया वालों ने जो छापा है वो पढ़ा है, उसमें था कि इन लोगों की औरतें भी थी, जो गोधरा में हुआ, जो लड़कियों को काटा गया, जिन 60 लड़कियों की बात सुनने में आई कि उनको उठा के ले गए। तो लड़कियां कहाँ है, कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा, जो भी होता नरोड़ा पाटिया का ही पूछता है। आखिर नरोड़ा पाटिया में हुआ क्या है, कोई बता सकता है कि क्या हुआ है? आप बताइए क्या हुआ। नरोड़ा पाटिया में कुछ नहीं हुआ है, और जो हुआ है सभी झूठ कहा गया है, लेकिन जो गोधरा में हुआ ना वो हकीकत है। कैसे पता? क्योंकि मीडिया में न्यूज में आया था, हम पढ़ते हैं न्यूज, हमारे घर आता है। नरोड़ा पाटिया का भी मीडिया में न्यूज में आया था? हाँ। तो वो भी सच होना चाहिए फिर। लेकिन वो तो हमने अपनी आंखों से देखा था ना। क्या हुआ उस दिन? वो तो भाई साहब देखो, अभी हमको कुछ पता नहीं था, अचानक हुआ, जो भी कुछ हुआ सब अचानक हुआ, कुछ बोल के नहीं हुआ। आज हमारे क्या कुछ नहीं किया, हमारा नाम कितना उछाला,
पूरा नाम उछाल के रख दिया, पूरे वर्ल्ड में हमारा भी नाम है, जैसे इस एरिया का नाम है वैसे हमारे लोगों का भी नाम हो गया। हमारे लोग मतलब? यानी हमारे पापा और भाई का। बोले भवानी सिंह ने किया, आप देखो तो हमारे पापा की इतनी उम्र है ज्यादा, ये 50 साल की उम्र है, इतनी बड़ी लड़कियां है, 52 साल की उम्र हो गई उनकी, 50 से 52 साल की उम्र। आप उनकी लड़की हैं? हाँ, मैं उनकी सबसे छोटी लड़की, हम तीन लड़कियां हैं, हमारा एक भाई है जो वकील था, उसको भी अंदर करा। तो क्या हम सब करने गए थे, ऊपर से सबको बचाया, खिला पिला, तो आज हमारा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में, बोले मैन सूत्रधार इन लोगों ने, तो ऐसा चले। जिसने बचाया उसी को तुम गुनेगार ठहराते हो, तो ये तो कौन इंसाफ, दूसरी बार ऐसा कोई बचाएगा क्या? अभी हमारे बारे में इतना सब क्यों लिखा हुआ, तो हमको भी पता नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं हमारा। आपके पिताजी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में? कभी नहीं, भाजपा में नहीं, कांग्रेस में नहीं, कोई पॉलिटिक्स में नहीं। मेरे भगवान का आदमी है, अच्छा आदमी है। रतिलाल सोमा भाई राठौड़ उर्फे भवानी, क्योंकि भवानी माँ की पूजा करते हैं, इसके लिए भवानी के नाम से पहचानते हैं। सफेद कैरवा भवानी के हाथ में कैरोसन का ऊपर से छांट दिया, नारी बोलते के साथ है तो आग पकड़ गई, तो छोकरे का पेंट उतार के उसके छोकरे ने भवानी ने आग में फेंक दिया मेरे छोकरे को, और मेरे को गुप्ती मारी तो गुप्ती जाके आगे गिर गई है, फिर भी बोल रहा अम्मी तुम भाग जाओ तुमको मारेंगे, और मेरा बच्चा अखा जल रहा है और अपनी परवाह नहीं कर रहा, मेरा बच्चा अखा जल चुका और ये छोकरी मेरी वही तो इनकम तोड़ गई। हमारा दिल जानता अंदर से ऊपर से कैसे रहते, अंदर हमारा अंदर ही अंदर दिल हमारा घूर गया, औरतों के साथ में कैसा हुआ है, जल चुके मर चुके, जो बचना चाहते आग में से निकलना चाहते निकल निकल के भाग रहे, उनके साथ बेइज्जती करिए बराबर, कोई ने मुंह बंद कर लिया, कोई ने नारे तोड़ दिया, कोई ने कुछ कराए, जिन उनके साथ और कोसर नाम की छोकरी हमारे साथ खड़ी है, तो वो तो भारी पैर से थी, उसका पेट फाड़ के बच्चा तलवार पे लिया गया, ये भवानी। आप बोल रहे हैं कि सर रेप हुआ, ये सब कुछ भी नहीं, मारा मारी हुई है, सब औरतें यहाँ पे सही सलामत थी, पीछे सोसाइटी है ना वहाँ पे सब सही सलामत थी, रात को 12 बजे पुलिस वाले आए, उनको सबको लेके जाके सालम की छावनी वहाँ पे छोड़ा। तो ये लोग इतने सब लोग मिलके झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो पता नहीं है, अभी ऊपर वाला जानता है क्यों झूठ बोल रहे हैं। कौसर बानो की एक ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा सब जो लिखा है जो अखबार में आया ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मान लिया कि नरोडा के बारे में हुआ, आप बोलते हैं कि मान लिया रेप हुआ है, तो किसका हुआ, कौन सा प्रूफ है, क्या पीएम रिपोर्ट है, डीडी रिपोर्ट है, किसी की नहीं है। डीडी रिपोर्ट क्या होती है? डॉक्टरी रिपोर्ट, जो डॉक्टरी में आता है वो, और पीएम रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और हम भी थोड़ी बहुत तो डॉक्टरी की जान रखते ही, थोड़ी बहुत डॉक्टरी की रखते हैं, थोड़ी बहुत वकीलत की रखते हैं, क्योंकि हमारे भाई भी तो वकील है, तो यहाँ नरोडा पाटिया में किसी की रिपोर्ट नहीं है कि जिस पर रेप हुआ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم 28 तारीख के दिन एक कबर खोद रहे थे हम, 2 बजे आए इनामुल भाई, उन्होंने बोला कि भाई 10 खड्डे करो बड़े बड़े, तो ऐसी बात हो गई है कि मुस्लिम लोगों को इतने जने मर चुके हैं, ये है ना वो है, तो हमारा तो हाथ पांव खुल गए कि 10 खड्डे करने ने लाशा वाशा लेके आएगा कौन, उन्होंने बोला खाली अब के हाल में तुम खड्डा करो, लाशा वाशा लाने की तुम फिक्र मत करो, लाशा भी आ जाएगी। फिर वो 1 तारीख के दिन जो डेड बॉडी हमने देखी तो हमारी खुद की हिम्मत टूट गई, क्योंकि डेड बॉडी का सीन इतना डेंजरस था कि आप बाजू में खड़े हो तुम बाजू में नहीं खड़े रह सकते थे, उनको अपने जो हाथ रखो ना तो पूरी चमड़ी गायब हो जाए, अंदर हमारी उंगलियां चली जाए, खाली सिर के बाल खींचो तो सिर के बाल टोटल बाहर आ जाए, कोई भी तरह सी
आप लोग को समझ इतना पड़े कि सामने वालों को उठाना कैसे रही। तो ऐसी कोलसा हो के आई थी ना, मत पूछो ऐसी बात थी कि खाली कोयले के अपने हड्डियों के ढांचे ही दिखा, मांस तो कुछ दिखे नहीं। जो डेड बॉडी यहाँ पर आए वो कौन कौन से एरिया से? नरोड़ा पाटिया है, अपने गुलबर्ग सोसाइटी है। औरतों की जो यहाँ पे डेड बॉडी आई है, की हालत क्या थी उसके बारे में? तीन लेडीज की तो हमारे हाथों से, हमने हमारे हाथों से नाल काटी है। क्या नाल काटी? जो पैकमैन थी ना, बच्चा भी साथ में, लेडीज भी साथ में, नाल हमारे हाथों से काटी है। बच्चे भी मर गए? हाँ। मत बात करो, आप मेरी बात सुनो, वो लेडीज की आप बात ही मत करो। कहने का मतलब क्या है कि उनके जिस्म को पे भी आप नाखून के ना उसके घाव देखो, तुम्हारे खुद हैरत में पड़ रहा, क्योंकि लेडीज के सीना होता है ना, सीने को पे भी आप घाव देखोगे तो तुम्हारी अक्कल काम नहीं करेगी। ऐसी डेड बॉडी आती थी कि कोई पहचान में नहीं आता था। हड्डे आते थे इतने इतने पीस, खाली जो आता है ना गोश्त बोलते हैं ना थोड़ा बहुत, और हड्डियाँ जो होती है वो आई थी, बस पहचान में नहीं आ रही। मैंने प्रूफ, यानी प्रूफ मिटा दिया यूँ, यानी ये तुम ये लोग ये प्रूफ मिटा दो तो अपने यहाँ बच जाएंगे। यानी मेरे घर के भी 10 इंसान इसमें मरे हुए, इसके घर के 19, मेरी मदर, दादी, बड़े बा, चाची, दो भाभी, दो भतीजी, एक भतीजा, एक भाई, सब इसके भी पूरे घर वाले शहीद हुए। टोटल इनको हमारे सामने ही शहीद करा था, पूरे सबको जलाया, काटा, मारा। मेन मेन जो थे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के, पुलिस ने FIR के अंदर से उनके नाम हटा दिए थे, और अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना। आधे लोगों को अरेस्ट करा है और आधे ऐसे ही घूम रहे, जो मेन मेन जो है ना विश्व हिंदू परिषद के, वो घूम रहे। हाँ, बड़े जो थे ना मेन जो कलाकार आगे, जो जैसे नाम, जैसे भरत राजपूत है, भरत तेली है, अतुल वेद है, फिर वहाँ का कॉरपोरेटर जगरूप सिंह, फिर मैक सिंह, वो भी कांग्रेस में, अभी जगरूप सिंह कांग्रेस में आ गए, पहले भाजपा में थे, फिर और चुन्नीलाल प्रजापति। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? अब हम पक्के रहेंगे तो मिलेगा नहीं इंसाफ, अगर हम फूट गए, अगर हमको पैसे की लालच दे रहे। किस किस्म का लालच? कि इसको बंद कर दो, ये इंसान को तुमने नहीं देखा था, ये नहीं था वहाँ पर, दूसरा था, ऐसा लिखा दो, हम तुमको इतना दे रहे। आपको कितना ऑफर आया था? बहुत ऑफर आया था, पर नहीं, ये पैसा हमारे लिए हराम है, तो उनके घोष का पैसा हो जाता। सुबह सबसे पहले जो अहमदाबाद के अंदर शुरुआत हुई तो यहाँ से हुई, गुलबर्ग सोसाइटी से हुई थी। तकरीबन 9:30 हो गया था, 9:30 बजे चालू हो गया था फर्स्ट अटैक। के बाद में पुलिस कमिश्नर, हाँ, 10:30-11 बजे सी पांडे, वो सुबह में आए थे, लगभग 10:30 बजे आए थे वो, 10:30-11 के करीब। तो उसके बाद भी पुलिस की मदद क्यों नहीं आई थी? उसके बाद कोई मदद ही नहीं आई, वो बोल के गए कि अभी हम बंदोबस्त भेजते हैं, तो उसके बाद कोई आई, खाली दिलासा दिया कि हम भेजते हैं, और जैसे ही इन्होंने 3 रास्ता पार करा, ऐसे ही पूरी पब्लिक इधर बाजू आ गई। पूरी पुलिस यहाँ की खड़ी थी, 10 राइफलधारी आदमी थे, और PI यहाँ का जो, वो खुद भी खड़ा था, आराम से खड़े थे वो लोग, और वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ नज़ारा देख रहे थे खड़े खड़े। तो अशरफ भाई, ये जाफरी साहब को निशाना क्यों बनाया? कांग्रेस के बड़े लीडर थे, एक्स MP रह चुके वो। तकरीबन कितने 80-90 लोग ये रूम में थे, पूरी पब्लिक यहाँ, पूरे अंदर उड़ते बच्चे सब, बड़े बड़े आदमी भी, और जाफरी साहब भी खुद यहीं पर थे। इधर का कोई पांव रखने की जगह नहीं, नहीं इतना फर्नीचर भी, इतना जाफरी साहब के घर में तो क्या ना हो। तो वकील थे इधर, तो सब कबाड़ थे, मतलब ये इनकी ऑफिस थी पूरा, इधर ये सब कबाड़, चौपड़े चौपड़े। फिर हम लोग, मैं और इधर सब आदमी खड़े थे, मतलब और औरतें भी थी, फिर मैं, मेरे देवरानी ने, हम लोग उधर चले गए। यहाँ पर वो कंप्यूटर भी था उनके पास, कंप्यूटर और फोन भी थे, उन्होंने सबसे बात करी। यहाँ के जितने भी नेता जो है, अहमद सिंह पटेल है, दूसरे जो दो तीन नेता, अमर सिंह चौधरी जो कांग्रेस के, जो अभी
विरोध पक्ष के नेता है उनको भी फोन किया, बाकी चिल्ले चिल्ले नरेंद्र मोदी को भी फोन किया था। फिर हमने पूछा अंकल कितना टोला बढ़ रहा है कुछ सपोर्ट के लिए फोन कीजिए, बोले नरेंद्र मोदी तक को मैंने फोन किया है। उससे बोले ना उम्मीद एकदम हो गए थे जाफरी साहब, बोले आप कोई बचने का सवाल नहीं उठता है, कोई सपोर्ट आने की कोई यानी चांसेस नहीं है ज्यादा। दिल्ली तक फैक्स किया था उन्होंने, फैक्स मशीन भी था इनके पास। फिर इधर इनका एसी है जाफरी साहब का, वो बारी वो लोग ने तोड़ी, बारी तोड़ के फिर उन्होंने इधर बाटला फेंका गैस का सिलेंडर, तो ये इधर मैं खड़ी थी तो मेरे पाँव के पास आके ही गिरा इधर। बच्चे ऐसी औरतें चिल्लावे, बच्चे बेचारे चिल्लावे, रो रो के आधे हो गए, बच्चे भी नहीं औरतें भी नहीं। फिर भी हमने यहाँ कोशिश करी कि और लोगों को बचावे, तो वो लोग जितने भी थे अमुक को हम लोग इधर ला रहे थे, तो उसमें क्या धुआं ज़्यादा हो गया ना, तो घुटन से क्या अमुक लोग यहीं बेहोश हो गए। ये किचन है ना जो जाफरी साहब का, यहाँ से बुझा रहे थे पानी ले लेकर, तो जलने लगा तो हम लोग पीछे हटते गए। पीछे से ये जो बारी थी यहाँ की, तो ग्रिल विल तोड़ गए हम लोग यहाँ खड़े थे, बारी तोड़ दी थी पूरी। दो लड़के जिसका नाम भी शायद जानते हैं, मांगीलाल धुलचंद जैन नगीन पटनी, वो दोनों पीछे खड़े थे पेट्रोल कैन लेकर, तो हम यहाँ खड़े थे, हमारे ऊपर उन्होंने पेट्रोल डाला। ये ढाबा है ना, ये ढाबे से वो लोग केरोसिन के केरवे दे रहे थे सब इधर, इतने इंसान खड़े थे, एक नीचे खड़ा था, ये ऐसे लाइन लगा के फिर ऐसे ऐसे फेंके केरोसिन को, पूरे घर में आग आग आग, और ऐसे केरवे से छुट्टे ऐसे फेंके, मतलब ज़्यादा आग लगे ऐसा। यहाँ पर थे जाफरी साहब, पहले जाफरी साहब को बोले थे आप पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ, पर नहीं, जाफरी साहब यहाँ खड़े हो गए। फिर यहाँ से जाफरी साहब बाहर गए, ये जो जाली है यहाँ पर खड़े रहे, उसमें मेरे फादर भी थे। फिर यहाँ से जाफरी साहब ने बुला के इन लोगों को छोड़ दो, ये लोग निर्दोष है, मुझे मैं आ रहा हूँ, मुझे जो भी करना है वो करो, मेरे फादर रोक रहे थे उसके में, तो जाफरी साहब बाहर निकल गए और जाफरी साहब को पकड़ के 5-7 लोग मारते मारते घसीट के यूँ घुमा करके यूँ उधर से बाहर रोड पर ले गए। पहले वो अनवर भाई इधर बाहर बैठे थे, तो बेचारे वो लंगड़े थे एक पाँव से, तो वो जाली खोलने बाहर निकले ने, ऐसे ही उसको तलवार मार दी, उनके पीछे खड़े थे तो वो लड़की को खींच लिया, फिर दोस्त को वो मक्खी के जैसे उस पर टूट पड़े, नहीं नहीं तो कोई 20-30 लड़के होंगे ये बराबर बारी के पास ही, और उसके बाद सब अंदर घुसे थे ये बाजू सब चारे बाजू आ, तो मैं इधर खड़ी, तो मेरा बार आया, मैं पहली खड़ी थी, तो ऐसे ही मेरे को बोले कि इसको बोले साली को चढ़ाओ, बोले टेबल पर नंगी गंदी गंदी गालियाँ देते, देखो ये पंखे पे मेरा ये टेबल पे चढ़ा ही ना, ये पंखे पे मेरा मार खा रहे। फिर वहाँ से मैं उतरने लग गई, तो मेरा दोरा खींच लिया, सोने की चेन मैंने पहनी, तो साड़ी पहनी थी ना गुजराती बोलते हैं ना हम लोग, उसकी वजह से बचाव हो गया। इधर सब जगह ये तो लोही लुहाड़ थी, ये दीवालों पे भी देखो, ये दीवालें भी साफ करी, दीवालों पे भी लोही के धब्बे, इधर सब वो तो क्या करा, सबको अंदर से खींच के बाहर ढगला करा ने, फिर उन पर पेट्रोल डाल के सबको जलाए। इतने बेरहमी से, तुम आवाज़ें सुनो तो तुम्हारा अभी मेरे कान में रह जाती है। 68 की डेथ है यहाँ पे, 39 का हमको डेथ बताया, बाकी सब डेड बॉडी का है, बाकी सब एविडेंस मिटा दिए, टोटली खाक हो गए। जाफरी साहब तक की बॉडी नहीं मिली, सिर्फ कुछ हड्डियाँ मिली थी, कुछ हड्डियाँ चंद हड्डियाँ मिली थी बस, वो भी बाहर रोड पर। आप महीने बाद भी यहाँ आते ना तो बांस मारती थी, नीचे जो गड्ढा किया हुआ है ना, ये जो गड्ढा किया था ना, इसमें जो बचे हुए थे ना, जैसे कि हम लोग आए थे 2-3 महीने बाद, तो अमुक लोगों के बाल, औरतों के बाल, जो सर के बच्चों के बाल, हड्डियाँ वगैरह, चर्बी जो बच जाती, ज़मीन में चोट गई थी, तो हम लोगों ने खुरेद खुरेद के उसको निकाल करके जो सब समेटा, और जितने हड्डी टुकड़े जहाँ पर भी पड़े हुए थे बाहर थे वहाँ से सब मिला करके, फिर हमने यहीं पर उसको दफना दिया। गुजरात अशांत छे, गुजरातीओ हिंसक वृत्ति धरावे छे, गुजरातना लोको रस्ते जता आवता लोकोने चक्का मारे छे, तमारा बदन किसान छे भाई, आ कांग्रेस एवं के बार जे का गुजरातीओ किसानमा पेट्रोल नी बाटली राखे छे, हामे मळो नथी કે હળગાળ નથી, આવું આવું કે ગુજરાતની આબરૂનો નિલામ કરી નાખ્યો, ગોધરાના પાપીઓ કોણ છે મને ઇડરના નાગરિકો કે શું ગોધરાની અંદર આ દુર્ઘટના ન બની હોત
तो गुजरात में क्या है कांकरी पड़ी हो जरा जोर से बोलो। बस इतना पता चला कुछ लोगों ने ट्रेन जला दी। आपकी मम्मी के फ्रेंड्स भी थे उसमें जो दर्शन करने को जा रहे थे? वो नीलिमा बहन थे और माला बहन। तो उनको भी ट्रेन के एक्सीडेंट में कुछ हुआ? हाँ, वो भी एक्सपायर हो गए। आपकी मदर जो है भक्त के रूप में दर्शन भक्त करने के रूप में ही जा रही थी। डैडी बॉडी लेकर यहाँ पर वापस आए थे? हाँ। तो आपने देखा था? हम डर जाते ना देखकर। थोड़ी देर के लिए रोक दूं मैं? कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारे जैसे लोग, पार्टी वाले लोग, सब आपको भूलने नहीं देते, बार बार तंग करते रहते हैं? कई लोग आते हैं, वैसे तो हम भूल ही नहीं पाते। आप याद दिलाओ या ना दिलाओ याद तो आ जाते हैं। पर ये जो पॉलिटिक्स वाले लोग बार बार नाम लेते रहते हैं, फोटो दिखाते रहते हैं, पर्चे बांटते रहते हैं, उस पर भी आपको गुस्सा चढ़ता है? नहीं, लेकिन कुछ नहीं, वो तो मैं कुछ ध्यान में ही नहीं लेती ये सब। तो आप कभी विश्वेंदु परिषद के दफ्तर में गए हैं? आप में से कोई भी? नहीं, मैं कभी। आपकी मदर की तस्वीर वहां पे देखी है? तब सबके दो फोटे लिए थे। कहां पे? उन्होंने रखे थे दो अपने पास और दो हमारे पास, कि कुछ हो गया तो कहीं कुछ किसी के काम के लिए चाहिए ना। सबके ये वो फोटोग्राफ है वहां पर। उनका जो फोटो है वो वहाँ पर कार सेवक के रूप में लगाया हुआ है। वो कार सेवक के लिए नहीं गई थी, लेकिन ऐसा हो गया तो सबको कार सेवक ही आएंगे। मंदिर भव्य बनाएंगे हम, जय हो की। ट्रेन में एग्जैक्टली क्या हुआ उसके बारे में आपने अब तक क्या सुना? अभी तो ये सुना है कि वहाँ जब गोधरा में बोले गोधरा से का ट्रेन उठा और वहीं पर आगे जाके उसका ट्रेन चेन कूलिंग हुआ। कई लोगों से ऐसा भी सुना है कि आगे कुछ बवाल हुई थी और उसके बाद में ये सब हुआ है कि भाई ये जो विश्व हिंदू परिषद वाले गए थे तो वो लोग ने कुछ बोले, वहाँ नारे लगाए थे, तो उसके बाद में ये सब हुआ है। उसके बाद जो हिंदू प्रतिक्रिया हुई, जो सब इतने दंगे हुए, उसमें बहुत मुस्लिम भी मारे गए, तो ये जो बदले की भावना से जो सब बाद में हुआ, आप उसका समर्थन करते हैं नहीं, क्या? नहीं नहीं, अभी ऐसा कोई समर्थन नहीं है। ऐसा एक बात है, हमारे सामने भी मोमेडियन रहते हैं, ऐसा नहीं है, ये सामने वाला ही घर मोमेडियन का है, लेकिन अभी हमारे घर जैसा संबंध है, यानी वो तो करने नहीं गए थे। ये जो है 5-25 का कुछ पैसों के लिए भी किया हुआ है। डिटेल में भी मैं आज तक गया नहीं हूँ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अब जब अपना इंसान चला गया है फिर अब बच्चों के पीछे केयर लेना पड़ेगा, वो सब अपने डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा उसमें डीप में जाके कोई मतलब नहीं है। और फिर क्या है कि अपने को भी थोड़ा डर जैसा वो था कि भाई चलो ये बच्चों का भी सोचना पड़े, कल उठ के अपने ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कुछ अपने को हो गया तो फिर बच्चों का कौन ही। तो शिवाली, इस बार आप स्कूल के एग्जाम में टॉप करोगे कि नहीं? तैयारी शुरू कर दी? हाँ। थोड़ा मार तो पड़ता ही है उसके माइंड पे, क्योंकि अभी पहले क्या था, वो
लगभग 80% के आसपास से रहता था, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा ये बीच में रिजल्ट आया है जो, तो उसमें 5-10% कम हो गए, लेकिन फिर भी मैं तो उसे बोलता ही रहता हूँ कि भाई मेहनत कर, अभी सब भूल जा। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आपके पहले कोई मुस्लिम दोस्त? स्कूल में पढ़ते हुए थे, कई सहेलियाँ थी मेरी मुस्लिम। कौन कौन दोस्त हैं आपके जो मुस्लिम हैं? है 3-4 लोग। नाम क्या क्या है? रुबीना है, गुलजार है, महज बिन है, मीनास। तो इन चारों से अभी भी दोस्ती? हाँ। अच्छी की पहले से बदल गई हो? जैसी थी वैसी है अभी भी। तो शरारत में आप लोग साथ में हिस्सा लेते हैं कि पढ़ाई में? पढ़ाई में भी और शरारत में भी। किस तरह की शरारत करते हैं? टीचर की मस्करी करना, सब मतलब पढ़ते तो सब होता है ना। जो हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम शुरू हुआ है गुजरात में, इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है? इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है अगर इसी तरह चलता रहा तो, क्योंकि ये क्या है कि थोड़े बहुत लोग हैं जो ये करवा रहे हैं, बराबर है, हिंदू में है मुस्लिम में है, क्योंकि वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि सब आज एक बात है कि धंधे पे लग जाएंगे सब, आज धीरे धीरे अब धंधा डेवलप हो रहा है सबका, अभी फिर से इस तरह हुआ तो क्या है कि धंधे भी बैठ जाएंगे, आज इंसान को रोजी रोटी तो चाहिए, इसी तरह चला तो किस तरह पूरा होगा। गोधरामा साइंट जितना निर्दोष राम भक्तों ने रेलवे ना डब्बा में सड़गावी दीदा। अब अपना गाम ने खबर दी जा जोर थी तो कहो भाई समाचार मल्या था, त्यार पछी अपना गाम में आपने कोई नी दुकान बाड़ी थी भाई, आपने कोई नू घर बाड़ी तो जोर थी बोलो ने, आपने कोई ने चक्को मारू तो, आपने कोई नू माथू वाड़ू तो, आपने कोई बहन बेटी ने इज्जत लीधी थी, तेम छताए अपना गुजरात में दुश्मनों गुजरात में विरोधियों एम ज कहे थे कहीं तो गामे गाम आग लागी थी, गामे गाम जाने बढ़िया लोगों ने खुद नहीं बाड़ता था, गामे गाम लोगों ना माथा वाड़ता था, इतनी हदे अपना गुजरात ने बदनाम करी मुक्यो, ये बद्धा ने जवाब आप्यो छे आ गुजरात गौरव यात्रा है। वंदे भारत माता के, भारत माता के वंदे। 28 तारीख हमारे दयालल गांव में, 28 तारीख को 10 बजे से हमारी मस्जिद पे हमला करने आए, तो हम सब लोग पूरे दिन और पूरे रात हम खेत में रहे, तो एक तारीख पहली तारीख हम वहां से भागे, तो हमने ऐसा सोचा कि हम टेम्पो लेके हम कालोन में चले जाए, फिर हम टेम्पो लेके आ रहे थे देहलोल से कालोन में, तो वहाँ अंबिका सोसाइटी है वहाँ पे, उसने हाईवे रोड पे मारुति कार आड़ी रख दी और हमारे यूं करके ऐसा उसने टेम्पा हमारे गिरा दिया, फिर हमारे आदमियों को सबको मारकर उसने के पेट्रोल केरोसिन डाल के उसने उस लोगों ने जला दिया हमारे आदमियों को, फिर हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर भागे, वहाँ से भागे और नदी में उतरते हमको पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया और सब मेरी जेठानी चले गए, हम छोटे छोटे पड़ गए, वहाँ से मेरे कपड़े उसने निकाल दिए थे, कपड़े निकाल लिए थे और मैं फिर बेहोश हो गई। मेरी आँख खुली तो मेरा फैजान मेरा सिर पे बैठा था और ऊपर के जब्बा मेरे सिर पे पड़ा था, फिर मैं पहन के मेरे फैजान को लेके भागी। तो इन्होंने आपके साथ ये किया, आपने उनकी उनके नाम पुलिस को दिए? वो तो किसी को नहीं पकड़े अभी, तो नाम दिया तो भी किसी को नहीं पकड़े। क्यों, क्या बोलते हैं वो? तो पुलिस वाले क्या करते, कुछ नहीं करते पुलिस वाले। ये मेरे साइड पे जो खोड़ियार पान का गल्ला आ रहा है, ये ओपन प्लॉट के बाजू में दिख रहा है खोड़ियार पान हाउस, वो लड़के लोग बैठे हुए हैं, वो खोड़ियार पान वाले का मालिक विजय ठाकुर, वो मैन उसका एक पुलिस है मैन,
वो एब्सकॉन्डिंग बता रहे हैं, वो गलने पे बैठा हुआ है, धंधा करता है। अभी आई अंबिका सोसाइटी, लेफ्ट साइड पे अंबिका सोसाइटी है, राइट साइड पे ये वल्लभ नगर इसको बोलते हैं। ये जो नाला है, जस्ट नाले के यहाँ पे टेम्पो पल्टी करा था, ये नाले के यहाँ पर टेम्पो पल्टी किया गया, तीन लोगों को यहाँ जिंदा जलाया, बाकी लोगों को, 10 लोगों को यहाँ, ये साइड पे ओपन ग्राउंड था, वहाँ जिंदा जलाया गया। और इस मैदान में उन औरतों को कुछ वक्त दुड़ाया गया था। तो मुख्तार भाई, ये टाइम के जो दंगे हुए थे उसमें औरतों को खास निशाना बनाया गया? औरतों को ऑलमोस्ट सारे पंचमहल में, मतलब जहाँ जहाँ पे भी अटैक हुए वहाँ पर औरतों पे रैप हुए। देरुल गांव में जो लीमखेड़ा इस फैमिली पांडू जा रही थी, तो वो औरतों पर, उनकी बच्चियों पे रैप हुआ है, जो सभी 10ों को मार दिया गया है। और कई केस में ऐसा हुआ है कि भाई लड़की अगर अनमेरिड थी और उन पर रैप हुआ है, तो कि भाई अगर हम कुछ बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो उनके फैमिली को, उनके पेरेंट्स को या उनके रिश्तेदारों को ये डर रहा कि भाई हमारी बच्चियों की कहीं शादी नहीं होगी। तो उस डर से कहीं ज़्यादातर लोगों ने कंप्लेन रेप केस की नहीं की है। जो औरतें वहाँ से बच के भागी, इस रोड पे दौड़ते दौड़ते वो लोग जान बचा के जा रहे थे, यही रोड पर, उसके पीछे मॉब के कुछ लोग आए, ये मकान के यहाँ से ये लोग खेत में उतर गए, खेत में उनके पीछे भागे, ये सामने वाला जो मकान है, हाँ, यहाँ से लोग खेत में उतरे। और वो आगे का खेत, जो ट्राइंगल खेत है ना, उस ट्राइंगल खेत में उन्होंने पकड़ लिया और वहाँ पे सुल्ताना पर रेप हुआ। इस इलाके में काफी सारी डेड बॉडीज अभी तक नहीं मिली? कालोल में टोटल 65 मुस्लिम की डेथ हुई है, जिसमें से 43 डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। तो जो सरकार बोलती है कि सिर्फ इतने लोग मरे, उससे कहीं ज्यादा लोग मरे हैं? कहीं ज्यादा लोग मरे, आप सोचिए कि 65 में से 43 डेड बॉडी तो सिर्फ यहाँ पर मिसिंग है, तो और जगह पे क्या हालत होगी? आप अभी देलोल में वापस जाके रहना चाहते हैं? नहीं, गांव वाले सब होते हैं, देलोल में नहीं आना चाहिए, सब किसी को भी देलोल में नहीं आना, किसी भी मुसलमान को। हाँ, मुसलमान। कोई आदमी नहीं रहा, क्या करने का ये? आपके पूरे घर में जिस दिन नरेंद्र मोदी यहाँ से गौरव यात्रा लेके निकले, तो उन्होंने गौरव यात्रा कहाँ की? वो तो अंबिका सोसाइटी में थी उसने। वहाँ थे हमारे टेम्पो गिरा दिया सब, वहाँ पे उसने भाषण किया मोदी ने। सामने अपनी बात बता करके आई है।
हम 5 करोड़ गुजरातियों की एकता का संदेश गुजरात के गांव गांव लेकर के घूम रहे हैं। हम 5 करोड़ गुजरातियों के स्वाभिमान के लिए चीख चीख करके बोल रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि लोग वोट की राजनीति में पड़े, सत्ता भूख इतनी तीव्र हो गई है कि वो मृतात्माओं के शरीर गिन गिन करके अपनी मतपेटियों को भरना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों को चेतावनी देना चाहता हूं, निर्दोषों के रिमोट पर खेल खेल करके गोधरा से गांधीनगर जाना संभव नहीं है। आतंकवाद पर करे चोट, नरेंद्र मोदी ने आप ये वोट। गुजरात ने अब मौत ना सौदा करो थी कौन चक्ष ये है स्टार। और आप देख रहे हैं द स्टार न्यूज चैनल। गांधीनगर के स्वामी नारायण मंदिर में आतंकवादी घुसे, 6 लोगों की मौत, सुरक्षा दस्तों ने मंदिर परिसर को घेर लिया है। करीबन 25 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं और ये भी माना जा रहा है कि घटनास्थल पर गुजरात पुलिस के कई कमांडोज पहुंच गए हैं और इस परिसर पर घेराव कर लिया है। अक्षरधाम में हुए आतंकवादी हमले की पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जी न्यूज। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सनसुई पेश करते हैं भारत का पहला फ्लैटोट्रॉन टीवी 750 वॉट्स की धमाकेदार आवाज के साथ। सनसुई, बेटर देन द बेस्ट। गांधीनगर के अक्षरधाम में खूनी खेल खत्म। कमांडो दस्ते ने दोनों आतंकवादी मार गिराए। अनजान संगठन तहरीके किसास का नाम उछला लेकिन शक लश्कर पर। हमले के लिए आडवाणी का इशारा पाकिस्तान की तरफ, कहा कश्मीर की बौखलाहट निकाल रहे हैं आतंकवादी। और गुजरात में बीजेपी की गौरव यात्रा फिलहाल टली। अक्षरधाम हादसे के बाद के हालात के मद्देनजर सरकार का फैसला। He sustained an injury of the gravis, which has led to a multiple perforation in the small intestine. आप वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए? ये इसके इनका लड़का और ये इनके हस्बैंड, तीनों जो थे ना एक लाइन में ऐसे चल रहे, तो जब वो अटैक हुआ तो ये एक दूसरे के ऊपर गिरे। इसका कहना ऐसा है कि जिससे हम लोग गिरे ना, तो हम दोनों तो माँ बेटा उठे और उठ के फिर उनको देखा, ऊपर पानी वगैरह छांटा लेकिन वो उठे नहीं वहाँ से। अब ये जो पास में गुरमीत कौर कोटा वाली, वो इनकी ननद की लड़की है। अब इस टाइम इस कंडीशन में इन दोनों लड़कियों को नहीं मालूम कि हम लोग के हस्बैंड नहीं हैं। उनको अभी यही कहा गया है कि गांधीनगर में उन लोग को एडमिट किया हुआ है, उनको कोमा में रखा। अब इसमें इन दोनों को थोड़ी भी हिंट नहीं है कि हम लोगों के हस्बैंड नहीं है, और यही कोशिश है कि जहाँ जब तक ये खुद कंट्रोल में नहीं आती हैं दोनों, तब तक इन लोगों को ना बताया जाए। सही, आपको क्यों लगता है कि ये सब क्यों शुरू हुआ है, इस तरह की चीज़ें? जैसे वो पेपर में आया, अपन तो वही कह सकते हैं कि गोधरा कांड के बाद में, जैसा कि उनके वो लेटर में लिखा हुआ आया है कि हम लोग उसका बदला लेने, गोधरा कांड में जो नरोड़ा पाटिया में हुआ उसका बदला लेने के लिए ये काम हम लोग। पाकिस्तान आ देश नु दुश्मन छे,
और देश ना निर्दोष लोगों ने मराने रखवाने काम पाकिस्तान करे से तमने ए मतो अक्षरधाम नो कब्जो करीस अने हिंदुस्तान ने नचावीस अरे तमारा सपना ने चूर चूर कर दीदा अमारा साबरकांठा नो दुश्मन जवान अने अगर मियां तुम्हारा सपना एक हते तो सपना जोता बना डोड़ा काढ़ी लेवानी तैयारी हमारी। तुम हमें कहते हो कि गुजरात में खून की नदियां बह रही है, अरे मियां तुम्हारे पाकिस्तान का हाल क्या है? अरे मियां हिंदू आतंकवाद, अरे मियां मुशर्रफ तुम्हें मालूम नहीं है हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, लेकिन मियां अगर तुम्हारे पाप के कारण या तुम्हारी हरकतों के कारण कोई हिंदू अगर इस रास्ते पे चढ़ गया आतंकवाद के, तो मियां मुशर्रफ कान खुल के सुन लो, जब हिंदू आतंकवाद आएगा ना तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नामो निशान। आज अपनों से सत्य वचन गुजरात में बना विशु नंदन वन। ખાક થઈ ગયેલી, ભરતું થઈ ગયેલી લાશો આજે પણ એ ચિત્ર, એ બનાવ, એ વાત રાત્રે સ્વપ્નમાં આવી જાય છે તો આખી રાત ઊંઘી શકતો નથી। અને મારી જિંદગીમાં હું જીવીશ ત્યાં સુધી આ બનાવને હું જિંદગીમાં ભૂલી શકવાનો નથી કે આ બનાવને હું માફ કરી શકવાનો નથી। ડબ્બાની અંદર આગળ ગયો, એક પેલો પંખો આવે છે ને ઉપર જોયો છે ને આપણે રેલવેમાં, જાળીવાળો, જાળીવાળા પંખા જોડે 10-12-15 મહિનાના બાળકની લાશ છોટી ગયેલી।
મનમાં વિચાર આવ્યો કે 12 મહિનાના બાળકને ખબર નહીં હોય કે મુસલમાન શું કહેવાય, હિન્દુ શું કહેવાય, ધર્મ શું કહેવાય, કઈ ખબર નહીં. એ 12 મહિનાના બાળક તો શું વાંક હતો, શું ગુનો હતો કે એને તમે જીવતું સળગાવી દીધું? આ સળગાવી દેવાનું જે કૃત્ય છે ને, એ ભયંકર ઘાતકીમાં ઘાતકી, ક્રૂરમાં ક્રૂર, જો કોઈ મારી નાખવાની રીત હોય તો માણસને જીવતો સળગાવો, ક્રૂરમાં ક્રૂર રાક્ષસી કૃત્ય. તમે કોઈને તલવાર મારો, ધાર્યું મારું ડોકું કપાઈ ગયું, કેટલી વાર લાગે? એક મિનિટ, બે મિનિટ, ડોકું બહાર, માણસ મરી જાય. તમે કોઈને ગોળી મારો, ગોળી વાગી, બે ત્રણ મિનિટ તરફડે, માણસ મરી જાય, અને વેદના ના થાય, સહન ના કરવું પડે. તમે વિચાર કરો એ ટ્રેનમાં કેવો બનાવ બન્યો હશે. આગ લાગી, ચારે બાજુથી આગ લાગી, અંદર બાળકો, 58માં તો 40 બહેનો અને બાળકો, અંદર કિકિયારીઓ થતી હશે, કિલક કાકલોથી થતી હશે, બચાવ બચાવ બચાવ. આગ ચારે બાજુથી ધીમે 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 શરીર સળગતું હશે. શું વેદના થઈ હશે આપણા ભાઈ બહેનો ઉપર? એ 58 પ્રેતાત્માઓ તમે મત આપવા જશો એટલે તમારી પાસે આવવાનું છે. જો તમે આગુ પાછું બીજું કઈ બટન દબાવવા ગયા, કેવી અવાજ આવશે, ક્યાં દબાવું છું, એટલે તરત તમારો હાથ કમળ પર પડશે અને પ્રેતાત્માઓને આપણે સ્વર્ગમાં મોકલવાના છે. 58 લોકોને આપણે જીવતા સળગાવવાનું માંથી બચાવી ના શક્યા, પણ એ પ્રેતાત્માઓને સ્વર્ગમાં મોકલવાનું કામ તમારા હાથે કરવું છે. એ તો તમે હું કરી શકીશું કમળનું બટન દબાઈને. ભારતીય જનતા પાર્ટી, આપ સબ બોલેગે જિંદાબાદ જિંદાબાદ. કોઈ નહીં રોક સકતા. આ સવાના છે, સાસુ સસરા છે, આ નંદો છે, રૂકાયા બેન આદમભાઈ, આ સુહાના છે, નરદકી છોકરી, પછી આ સાબાના છે, ના મર્યા રેશમા છે. સબ લોગ કો હા મારી કર્યો, આ બે મારી કર્યો, આ મારી કર્યો, આ બે મારી કર્યો, અને એક મારા નરદના છોકરાની બહુ મારી કરી, રાજુ બીબી નામ છે. મગની કરેલી હોય એસકે પાસ હતી, વહીં સે મિલા આપકો એક ફોટો. હા મમ્મી, so you're still active as a lawyer? Yes, yes, I am among the lawyer. I am lawyer first, politician, but politics is also run parallelly with me. Pichle baar Panchmahal mein 8 seat mein se 6 Congress ki thi. Ye sabhi seat hum le liye, sabhi seat. સોલંકી સાહેબ ખુદ આપણા કેસ લડ રહે? હા, અમારા એ વકીલ છે સોલંકી સાહેબ, અમારા કેસ એ લડ રહે. કેસે વકીલ અચ્છે, વકીલ તો અચ્છે, સારી કામગીરી બજાતે. આપકે ઉપર ક્યા ચાર્જ લગા દિયા? યે 302 લગાઈ, 307 લગાઈ હૈ, 374 લગાઈ હૈ. મતલબ કિસ ચીજ કે લીએ? 374 લગતી હૈ બળાત્કાર મેં લગતી હૈ, 302 મર્ડર મેં લગતી હૈ. છોકરે મારે બહુ યાદ આવે છે. બીજાનો છોકરો જો ઉસકો નહીં યાદ આવે, હું તો જવાન દીધા લાગતું કઈ હેરલમાં. છોકરીઓ યાદ બહુ આવે છે, મારી છોકરી તો બહુ સરસ હતી. છોકરીઓ શું કરી દીધું, એમને શું જોયું, એમને એટલી બધી સ્વિમિંગ પડી હતી કે છોકરાને મન માર મારીને એ કરી નાખ્યું, એમની ઇજ્જતો લૂંટ્યો, એમને મારી કાઢ્યો.
છાતી કાપી કરી છોકરીઓ ને જે હો જે કરતી હતી છોકરીઓ. અમારે તો હાથ જણ મરી ગયો, એમને તો અમારે તો હાથ જણ મરી ગયો. અમને કેવું થતું છે, એમને એક જણ મેં બે જણ જેલમાં ગયો તો એમને દિલને કેવું થાય, તો અમારે દિલને કેવું થતું છે. અમારી જવાન જવાન છોરીઓ માતાનો વિચાર ના આવ્યો. ઇજ્જત લૂટ્યો છોરીઓને, એની મા બાપનો ઘરમાં નથી આવ્યો. गुजरात बंद का ऐलान हुआ तो हम हैरान हुए थे. जो काफ़ी ज़्यादा है उन्होंने पब्लिक इकट्ठी की कि आपको जो गुजरात में हुआ है इसी का बदला लेने का है. और फिर हम क्षेत्र में जितने थे आदमी, कितने लोग खेत में छुपे हुए थे, 30 ने आजू बाजू सब लोग भूखे प्यासे हैं यहाँ दो दिन इसी खेत में. आगे अलग अलग थे, कोई इधर छुपा था वो देख रहा था, इसमें मकई थी. तो आप खुद खेत में कब तक छुपे रहे थे? हम दो दिन. तो जब आप यहाँ से निकले तो मदीना आपके साथ नहीं निकले? नहीं, वो तो हमारी फैमिली थी, 7 जन का ग्रुप था. तो गाना है तो वो बोला कि मुसलमान का टोला अहीं छुपायू छे, तेम छे बूम बूम करी. એટલે પછી મદીના બધા વિચાર્યું કે આપણને મારી નાખશે, મકાઈમાંથી નીકળી જઈએ. તો મદીના અને એમનો છોકરો જે નઈમ છે એ અંદર રહ્યા. ઇસ્માઇલ માસ્તર બહાર નીકળ્યા, તેમની પહોંચ રકમ અને પૈસા હતા. એની પાસે રકમ હતું, સોના ચાંદીના દાગીના આપી દીધા, રોકડ રકમ 60-65 હજાર હતા બંનેના થઈને, બધી એમને આપી દીધા. છતાં કહેશે આવ્યા તો જો આપીશું અને લઈ જઈશ તો પછી પુરાવો થઈ જશે, એટલે અમને પતાવવા જ પડે કોઈ બી છે. એટલે પછી લોકોને મારી નાખ્યા. હું બે છોકરીઓ હતી, એક સબાનંદ સુહાના, એમાં એક છોકરી પેલા છાપરા જઈને બળાત્કાર એટલે કોઈ કર્યો, અને છોકરી છે સભાના છોકરીને, એ ચાર પાંચ લોકો એ છોકરીને ત્યાંથી અહીં લેતા આવ્યા અને છાપરીની અંદર બળાત્કાર કર્યો, અને પછી મતલબ દિલ્હી અપાયું છે. મને મારી સાથે પણ એવું રીતે કરો, કેવી રીતે બહાર નીકળું, કેવી કબરજામાં હતી તે મારાથી જોયું ના ગયો. ये हमारी गली है ना, वो ओनली हिंदू, उधर मुसलमान, और जो भी हुआ ना सिर पे हमारे रख दिया कि तुमने ऐसा किया ऐसा किया. क्या हुआ है ये गांव में? 7 आदमी मर गए थे ना मुस्लिम, फिर थोड़ा जल गया था उधर उनका मकान वगैरह. वो नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा 10-12 मकान बस, बहुत ज़्यादा नहीं, वो नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ. मैं 5 मास जेल में रह के आया हूँ, और मेरा बाप भी है ना अभी जेल में, चंद्र सिंह राम सिंह दादा, गुजरा सब जेल में है. जिनको मैं कोर्ट जिनको मैं मिला था, हाँ वही, वो धोती पहनते ना वही, उन पर बलात्कार लगाया. तो आपको क्यों फंसा दिया? आगे पीछे की दुश्मनी, मोमडन लोग ने नाम दिया आपका. पुलिस वाले आपके अगेंस्ट है? पुलिस हमारा सुनती नहीं, पुलिस पैसा खाती है और उधर आती है. तो अपने धारा सभ्य को बोल के पुलिस वाले का बदली नहीं करा? धारा सभ्य भी मांगा चाहते भाजप का है मगर, तो भी वो भी पैसा खाने वाला. तब भी आप भाजप को वोट दोगे? मोदी के लिए. मोदी के आने से क्या फायदा होगा? मोदी आएगा नहीं, फिर हमारी को टेंशन नहीं रहेगा. मतलब ओ मोदी नहीं आएगा तो उसका राज चलेगा. किसका? मोमेडन का.
सोनिया आएगी ना तो उसका राज चलेगा, और मोदी आए तो हिंदू का राज चलेगा। तो आप हिंदुत्ववाद में क्यों विश्वास करने लगे? कभी कभी हिंदू अपने अपने काम पे आता है। सर काम कर जा। आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रवीण। चले यार हम जाएं। फोटो पाड़ बुलाओ है। बुलाओ है। तो प्रवीण भाई ये एक बात बताओ मेरे को, ये टाइम में बहुत हिंदू मुस्लिम का बहुत हुआ, मुसलमान लोग को लॉस भी बहुत हुआ, अभी वो लोग सबक सीख गए कि नहीं? अभी तो कुछ बता ही नहीं जाता। अभी हमारे चाचा है ना, वो जेल में से छूट जाएंगे, फिर हम उसकी माँ चूत डालेंगे बयान से। और कुछ बताने का है? कुछ नहीं, अब नहीं। अब हमारा टाइम खराब हो रहा है। हमारा पावागढ़ तीर्थधाम है, ये हिंदुओं का तीर्थधाम है। माँ काली की शक्तिपीठ मानी जाती है और पूरे भारत में एक प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में हर साल लाखों यात्री देश भर में से और पूरी दुनिया में से, टूरिस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यहाँ पर आते हैं। मैं घनश्याम जोशी रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और ये मेरा नेटिव प्लेस होने के नाते मैं यहाँ पर सेट हुआ हूँ एज ए पेंशनर। और विश्व हिंदू परिषद का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। आप बताइए कि आप यहाँ पर आए तो विश्व हिंदू परिषद का काम कुछ ज़्यादा नहीं? शुरू में तो हम लोगों को भी कुछ फेस करना पड़ा, समाज वालों ने भी हमको डराया, अरे ये तो ऐसा है कितने सालों से कांग्रेस यहाँ जमी हुई है और आप लोग जो करें सोच विचार के करें। हम तो डेडिकेशन वाले थे, हमने कहा देखो भाई हम तो डरते नहीं, कफन बांध के चलते हैं और कम वोट में जो होगा सो देख लेंगे। और हमको रिस्पांस भी इतना मिला, विशेष करके ट्राइबल एरिया, जो हमारा मफ्यूसिल एरिया है कंट्री साइड, वो पूरा ट्राइबल एरिया है और ये तो ताकतवर लोग हैं, उनको सिर्फ शिक्षा की जरूरत थी, उनको जागरूक करना था ये दिशा में। जो बजरंग दल है उनके युवा हर गांव में हैं। इन यूनिट और स्थापना आपके आने के बाद हुई इस एरिया में? हाँ, पिछले 5-6 साल में। हाँ, आपने कैसे जागरूक किया उनको? हम ये युवा लड़कों को पहले तो आइडेंटिफिकेशन और ये सब जो चीज़ जरूरी होती हैं वो कर लेते हैं, उसमें एक भावना तो होनी चाहिए कि भाई हिंदुत्व का उसकी रक्षा करना है, हिंदू समाज की रक्षा करना है, उसके पीछे खड़ा रहना है। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर ये उन लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, हम त्रिशूल अर्पण करते हैं, प्रतिज्ञा वो लेते हैं, शक्ति दीक्षा दीक्षा कहते हैं, शक्ति दीक्षा। जय श्री राम। जिनके पास त्रिशूल है बस सब अपने हाथ में ऊंचा करो, सामने आ जाओ, मेरे साथ बोलेंगे मैं जोर से बोलो, मैं त्रिशूल धारण करके भगवान शंकर की माँ दुर्गा की पूजा करूँगा, राम मंदिर बनाऊंगा, जिहाद को पराजित करूंगा।
यहाँ जब मैं आया तो मैंने पहले सब जगह पे मैं घुमा हूँ, और सबसे पहले मैंने ये काम किया कि सबको व्यसन मुक्ति दिलाई। तो दारू स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब। अभी 8,000 लड़के हैं ये हालोल तालुका के, 202 गांव है, 75 पंचायत है, और ये 8,000 घर ऐसे हैं जो आज से 10 महीना एक साल पहले व्यसन से मुक्त बाहर नहीं थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के अंदर एक भाई अगर दारू वाला होता है तो उसका मुसलमान संग करता है, और संग करने के बाद वो उसके घर आना जाना शुरू कर देता है, फिर इसकी बहन बीती होती है उसके पर नज़र डालता है, एक दिन सबको पिला कर अंधेरे में रख कर उसको उठा कर ले जाता है। ऐसी ऐसी हालोल में 46 लड़कियाँ हैं, हालोल, कालोल, देवगढ़ बारिया और गोगम्बा, ये चार तालुका में से 185 हिंदू की लड़की मुसलमान के घर में उठाकर अपनी बहू बनाने के लिए, और बना दिया, चार चार पांच पांच बच्चे भी हैं। तो ये सब हमारे लिए दुख की बात है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, हम गौरव से जीना चाहते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओ खोखलो खोखलो बोलो रामन ढोलवा लागे हम बोलो, जय जय श्री राम, जय श्री राम। દુનિયા નો કોઈ દરેક મુસલમાન આતંકવાદી હોતો નથી, આ વાત એકદમ સત્ય છે કે આ દુનિયાનો કોઈ મુસલમાન આતંકવાદી દરેક હોતા નથી, પણ આ દુનિયામાં જેટલા આતંકવાદી છે ને બીજા બધા જ મુસલમાન છે, પણ સત્ય છે, એ વાત પણ બરાબર યાદ રાખવાની। એટલે હું દરેક હિન્દુ યુવાનોને હું આહવાન કરું છું કે આવા વાળો સમય તમારી જરૂરત મહેસૂસ કરી રહ્યો છે, આવા વાળો સમય તમારી પોકાર કરી રહ્યો છે, આ તમારી સંસ્કૃતિ તમારી માં છે, અને તમારી માની આજે રોજ ને રોજ ઇજ્જત લૂંટાઈ ગઈ છે। યુવાનો, તમારી માને બચાવવા માટે તમારી અંદર લોહીનું ટીપું પણ બાકી હોય તો તમે એની માટે સંઘર્ષ કરવાનું ચાલુ કરી દો, અને ભારતના યુવાન છો, લીડર બનો, ઘેટાની માફક ડર કાઢી નાખો, સિંહના સંતાન છો, કાયર દાખલ ખેરી નાખો, ડર રાખશો તો કશું કરી શકવાના નથી તમે। પાછા ઘણા લોકો કહે છે કે આવું બધું કરીએ તો ફસાઈ જવાય, એમાં ફસાઈ લ્યો તો છે એમ નહીં તો એમ, પણ એમ ફસાશો ને તો લક્ષ માટે ફસાશો। હે હિન્દુ, તારું હિન્દુત્વના જતું રે તારે ધ્યાન રાખવાનું। પ્રહલાદ શાસ્ત્રી આયા તો પહેલી મુલાકાત મેરે સાથ હુઈ થી, હમને ઉસસે બાત કી, આપ કહાં સે આયે, તો બોલે મેં સ્વામી વિવેકાનંદ આશ્રમ સે આયા હું પોરબંદર સે, આપ લોગ સપોર્ટ દે તો મેં યહાં રહે સકતા હું, મેરા પોઈન્ટ બના સકતા। ફિર ક્યા હુઆ કે યે બજરંગ દળ બના હુઆ થા, યે બજરંગ બનતા હી નહીં ઇન પાવાગઢ મેં કુછ હોતા હી નહીં, બજરંગ દળ ઉસસે પહેલે ભી બના થા, લેકિન યે પ્રહલાદ શાસ્ત્રી કે આને કે બાદ જો બજરંગ દળ બના ઉસને પૂરે ગાંવ ગાંવ જાકે કવરેજ કરા, યે બજરંગ દળ કો ગાંવ ગાંવ જાકે ફેલા દિયા ઉસને। अभी उधर जितने भी गांवड़े हैं उसमें कोई भी मोमेडियन तो रहता ही नहीं है, पावागढ़ से लेकर शिवराजपुर है, नवाकुआ है, ढिकवा है, सब में रहते थे मोमेडियन, कोई गांव में 5 रहते थे, कोई गांव में 25 घर रहते थे, कोई गांव में 20 घर रहते थे, लेकिन अभी कोई नहीं रह रहा। तो आप वापस आना चाहेंगे सर? हमारा STT PCO था, ठंडा पीना की दुकान था, बीड़ी सिगरेट की दुकान था, वो सब उन लोगों ने जगह हमारे यहाँ 4 महीने आए उसके बाद और हमारी जगह पर उन लोगों ने दुकानें बना दी, अब वो दुकान की जगह खाली नहीं करते हैं। मेरी दुकान पे भी छपरा बना के रख दिया है, सब मकान में रहते हैं। कल मैं गई थी तो खाना पकता था, अंदर घर में गई पर लोग मुझे कुछ भी बोले नहीं, मैं भी कुछ नहीं बोली, तो मैं क्या अच्छा फिर मामलेदार को बात करेगा वहाँ। तो आपने उसकी फरियाद की? नहीं कुछ नहीं किया, कोई लोग पहले हमें फरियाद किया, मेरा मकान इधर रहने का नहीं, हमको रहने दो, तो ये नहीं बोला था गाँव वालों को कि अभी नहीं रहने देने कह के।
तीन लोगों को ऐसे नहीं मारा है, जब ट्रेन जली ने तब फटाकड़े भी इन लोगों ने फोड़े थे। ट्रेन जली तब यहाँ गांव में, बहुत से गांव में तो बरगोड़ा निकाला था। बरगोड़ा मतलब शोभा यात्रा, हमारे मुसलमान ने कुछ करके दिखाया। देखिए एक बात समझिए कि हिंदू समाज पहले किसी को डराता नहीं, ये अपने एक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो किसी को पहले डराना नहीं जानता। मगर जो लोग हिंदुओं को डराता है, डराने के लिए आता है, तो फिर ये जो जागरूक समाज उसको अभी फेस करता है। ये सब जो युवा लड़के थे हिंदू, उन लोगों ने सोचा कि कहाँ तक ये डर के चलेंगे, मुस्लिमों से कहाँ तक डरेंगे, फिर ये जागृति आई और आज हम देख रहे हैं। आज हमारे हिंदू को, हिंदू युवक को कोई ऐसा नहीं कह सकता कि तो उठ यहाँ से, वो उठा के उसको एक तमाचा मार देगा, इतनी ताकत, आत्मविश्वास उसमें भरा पड़ा है। ये जो गोधरा की घटना घटी उसमें तो क्या है कि यहाँ जागृति आई हुई थी, जागृति आई हुई थी, इसीलिए इन लोगों ने जो प्रत्याघात दिया। मुसलमान औरतों के खिलाफ इस बार रिएक्शन नहीं ऐसा तो देखो मतलब... मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लोगों ने बहुत कम उठाया है, या हम लोगों ने मुसलमान को कुछ नहीं किया है, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कुछ किया ही नहीं है। मतलब क्या है, ये तो पीछे से जो जो कमिटी वाले आए आए वो आए, उन लोगों ने ये किया कि भाई कुछ करो कुछ करो, मेरे पर भी केस हुआ है। अभी मैं अयोध्या में था, मैं 2 तारीख को आया, ट्रेन चली तब मैं अयोध्या में था, उसके पहले तो मेरे पर केस लग गया था, उनके पर 5-6 केस लगे हुए हैं उसके पहले, कि भाई यही ये मुसलमानों ने, यही उन लोगों ने, यही शास्त्री था जिसने आगेवानी ली और हमारे सब घर जलाए, हमारे ऊपर 300 IP है, वो जो 395 आपके ऊपर, सबके ऊपर, ये सब हमारे 52 लड़के थे, 52 लड़के पर वो है। तो अभी वो केस चल रहा है कि? हाँ चल रहा है, हम तो उनको बेल पर छुड़वा लाए। जितने मुसलमान यहाँ से छोड़ गए थे सब वापस आ गए? नहीं हाँ। उसमें कुछ आए हैं कुछ नहीं आए। पावागढ़ में कलेक्टर आ गए कहते मुसलमान नो पुनर्वसन थवा दो, मैं कहता कलेक्टर साहब कैनो नियम छे पूरा भारत नो, तो तू जा करे कश्मीर में, कश्मीर में जा, मारा हिंदू 1950 थी 2001 सुधी में तेरी 1000 हिंदू ने पहले कपड़े काली मुक्या देनो पुनर्वसन का आ गुजरात बोरी बोमनी नो खेतर नो जा रे भाई का गुजरात थे ने पोचा एम न दबड़ाओ ए दबड़ाओ कलेक्टर ने कह दीधु ए वस्तु शक्य नहीं छे नियम लागतो है आखा हिंदुस्तान में लागे गुजराते कई गुनो करियो नहीं तारे कलेक्टर कहे छे एमनु पुनर्वसन थवू जोईए मैं कहू करता रे होजे कई डेग नु बचे तो आजे कई नहीं आजे कई डेट्यू ना मले सफा 4 बाबा घर में कोई मम्मत देखो जोईए नहीं हमारे गो माथा कुट करवाने की जरूरत नहीं। कोई कैसे के चुटनी आवी એટલે શાસ્ત્રી આવ્યા છે આલા ચુટણી જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી પણ બીજી વાત ચુટણી સાથે પણ લેવા દેવા હોય આલા આ ચુટણી કોઈ કોંગ્રેસ કે ભાજપની નહોય આ ચુટણી તો હિન્દુ ને મિયાઓની છે તમને ખબર છે હિન્દુએ મુસલમાનોને માર્યા હિન્દુએ મુસલમાનોને માર્યા હિન્દુએ મુસલમાનોને માર્યા 50 વર્ષની અંદર પહેલી વાર અમારા હાથમાં બેટિંગ આવી છે કઈ ખબર છે आज हमारा हालोलू एक एक नहीं है वो धोती वाला आएगा वो धोती वाला आएगा आज एक एक नहीं સોનિયા ગાંધી જો એની જાતને ખ્રિસ્તી જ માનતી હોય
तो सोनिया गांधी तारो कोई अधिकार नहीं आ देश मारे वा इन तमाम चीजों की दावत के द्वारा
हमें ये सबक देता है कि अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत करो, अपने मोहल्ले वाले से भी मोहब्बत करो, अपने मुल्क वालों से भी मोहब्बत करो, अपने वतन से भी मोहब्बत करो, अपनी रियासत से भी मोहब्बत करो। हम अमन शांति चाहते हैं, इसलिए कि इस्लाम हर इबादत से पहले अमन शांति की ही तालीम। ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं इस लफ्ज के साथ कि जैसे आपने आज वक्त की पाबंदी की है, ऐसे ही 12 तारीख को भी वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। अभी मैंने कहूंगा आज किसके लिए पाबंदी की, उस दिन किसके लिए करना है। आप अच्छी तरह जानते हैं आप बच्चे नहीं है कि हर बात आप सकते। हम सब मस्जिद में दुआ करेंगे तो यकीन हमको इंसाफ भी मिलेगा, अत भी मिलेगा, अमन भी मिलेगा, शांति भी। वही
गांधीनगर पर राज करेगा, वही दिल्ली पर राज करेगा और वही इस्लामाबाद पर भी राज करेगा। जुबेदा बीबी, वहीउद्दीन, वसंत, राम सेरा, मयूद्दीन नन्हे खान, हसनूर बीबी, पठान मयूद्दीन। टर्नआउट कितना होने का चांस है इस इलेक्शन? यहाँ पर यहाँ तकरीबन 75-80% होगा। सुबह 7:30 से पब्लिक का एक रश था और इतना उत्साह था जितना आगे के इलेक्शन में हमने कभी नहीं देखा। तूफान इसकी मेन वजह। आपको लगता है कि गांव को एक मौका मिला जवाब देने का? सही मौका मिला हमको, तो बहुत सही मौका मिला। इतना जबरदस्त इंशाल्लाह हम थप्पड़ मारेंगे तो उनके साथ पुश्तों तक याद रखेंगे। मौका इस तरह का मिला है क्योंकि अभी तक ये हुआ करता था कि लोग जो है सोचते थे कि भाई ये अवार्ड देकर क्या करेंगे, क्या फ़ायदा होगा, लेकिन अब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कुछ परिवर्तन लाना है तो सिवाय वोट के और परिवर्तन आ नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन लाने के चक्कर में ही ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग जो है आज हो रहा है। इस बार महिलाएं काफ़ी बड़ी संख्या में, हाँ इस बार महिलाएं जो हैं काफ़ी संख्या में आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि पुरुषों से ज़्यादा, बीच में आप देख सकते हैं कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की लाइन है। महिला जो है वैसे आमतौर से हमेशा ये हुआ करता था कि वो अवॉइड करती थी क्योंकि घर का काम बहुत ज़्यादा होता था। इस बार उन्होंने क्या करा है कि घर के काम को प्रेफरेंस नहीं दिया लेकिन वोट को प्रेफरेंस देकर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलने की कोशिश कर रही, क्योंकि जो तूफान हुआ उसमें बहुत परेशानियां हुई थी, लोगों ने बहुत भुगता है, 3 महीने तक बेचारे बहुत परेशान हुए हैं और इसके लिए भी जागृति का जो थोड़ा बहुत हिस्सा आया है उसका कारण वो तूफान भी है। तो अभी तक कौन सी पार्टी आपको जीती हुई नजर आ रही है? अभी तक तो भाजपा ही आ गए। आप इससे खुश हैं? हाँ, भाजपा ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने हिंदू वोट बैंक को जो सपोर्ट किया है उसकी वजह से भाजपा ही आना चाहिए। क्या सपोर्ट किया? पूरी तरह से, जैसे कि अभी ये जो धमाल हुई, riots in Gujarat were also regarded unfortunate by us, but the kind of campaign that was unleashed against the government, against the people, against the police, against the administration, it is this that was rejected by the people of Gujarat. The electoral map of Gujarat has a saffron color edge all across it. Let's just take a quick look at the present leads position. Information, of course, in for all the seats. The BJP, 129 seats is what the BJP has got. I am Indian. मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान में रहूँगा। अरे कार्ड नंबर मैं सब देख लेना, अगर ये गलत हुआ भी जाए तो क्या इस कार्ड दूसरा नहीं निकाल सकते? मैं इंडियन। ये हमारी जायदाद है, हमने बचा है, कल को जाए तो इंडिया वाले कहेंगे कि तुम्हारे इंडिया का प्रूफ क्या है, तो हम ये बता सकते हैं कम से कम आई एम इंडियन। मैं हिंदुस्तान को चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूँ, मेरा देश हिंदुस्तान है और मैं हिंदुस्तान को बहुत चाहता हूँ। एक मेरी भांजी है, बड़ी बहन की छोकरी, मेरी बड़ी बहन की छोकरी और उनके उसके 6 महीने का छोकरा, एक मासूम दूध पीता और 1.5 बरस की छोकरी, वो दोनों को लेके यूँ जा रही थी, एक सिर पे उस पर पत्थर पड़ा ना तो ऐसे ही यानी कि वो नीचे गिर गई। जैसे उसको गिर गई ना उस पर छाट के ने जला के सिलगा दिया। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर ना नामे सौगंध लो चुके कायदा भी स्थापित भारत ना संविधान प्रत्ये हूँ साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश। हूँ भारत ना सार्वभौमत्व नो अने अखंडता नो समर्थन करीश અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના
મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વાસ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. મેં તો માનતા હું કે યે યુનિક હૈ કે પાર્ટી ને નિર્ણય ક્યા કે ગોધરા કી બાત નહીં કરેંગે ઓર નહીં કી ગોધરા કોઈ ભૂલ નહીં સકતા લેકિન કિસી ને ગોધરા કા નામ ભી નહીં લિયા મેને નહીં લિયા કે મેં ઇતની મીટિંગ્સ એડ્રેસ કી એન્ડ ધેરફોર ધીસ ઇઝ નોટ એન ઓર્ડિનરી થિંગ બીકોઝ વી ડિડ નોટ વોન્ટ ટુ ક્રિએટ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ ક્લાઇમેટ ઇટ્સ રિમાર્કેબલ. મેં સ્પષ્ટ માનતા હું કે ગવર્મેન્ટ સુરક્ષા દેની ચાહીએ. રેલવે ઇઝ અ ગવર્મેન્ટ બોડી. ઇટ વોઝ ઇટી ઓફ ધી રેલવે. મારી વાઇફ શી હેડ ગોન ટુ અયોધ્યા. મારી વાઇફ કો હાનિ હો ગઈ, બંધ હો ગઈ ગુજરાત રેલવે બર્નિંગ કોચ મેં. મેરી યહાં બોડી આયા ઇધર કા લોક આયા, હિન્દુ આયા થે, બોબડે આયા થે, ખોજા બોબડન આયે થે, ખ્રિસ્તી આયે થે, સબ લોગ આયે થે. તો વો ક્યા કરતા થા? દે આર વીપિંગ. સબ લોગ રો રહે થે. યે જો ગોધરા મેં જીતને લોગોં કી મૃત્યુ હુઈ ઉનકે બારે મેં ચુનાવ મેં બહોત પ્રચાર હુઆ. વો પ્રચાર કરને કી કોઈ જરૂરત નહીં થી ઓર હમ તો ખિલાફ હૈ. વો પ્રચાર કરને કી કોઈ જરૂરત નહીં હૈ. ધર્મ કો પોલિટિક્સ મેં ઘુસા દેના, મિલા દેના, ઓર સબ જો હોતા હૈ મરને વાલે મર જાવે ઓર હમકો તો પાર્ટી મેં ખુદ ગદ્દી મિલ જાવે. અરે તું લડો, હમકો ક્યું મારતે હો? હમકો તો ઇલેક્શન હી અચ્છા નહીં લગતા હૈ. ક્યું કે ઇલેક્શન મેં ક્યા હોતા હૈ? જુઆ હોતા હૈ. 5 લાખ ખર્ચ કર દિયા, આયા ઓર બાદ મેં 5 કરોડ રિકવર કર લિયા. કોઈ ભી પક્ષ આવે હમારે લીએ તો કામ કાંઈ નહીં હૈ. લોકોં કો ભાજપ સે બહોત આશાએં થી. દેખો એ ભાજપ એ જો હૈ ને પીપલ કો બાયસ કરતે હૈ. રિલિજન જો હૈ ધર્મ ઉસકો રાજકારણ કે સાથ મિલાવટ કરને કી કોઈ જરૂરત નહીં હૈ. વો કરના હી નહીં ચાહે. વો કરને સે હી અપની યે મુસીબત હમારી ખડી હો ગઈ હૈ. જબ અશ્વિન ભાઈ ખુદ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ઓર ભાજપ મેં આયે તબ આપને ઉસકા વિરોધ નહીં કિયા? વો એસા હૈ કે વો માનતા થા કે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ કા કામ કરના ચાહીએ. વો માનતા થા કે બીજેપી કા કામ કરના ચાહીએ. પર મેને તો પહેલે સે બતા દિયા થા બેટા યે બરાબર નહીં હૈ. મગર ક્યા હૈ કે ગ્લોબ બોયઝ હૈ તો વો કરતે થે. મર ગયા, બસ હો ગયા. 2000 કા ઇધર માર દિયા. 2 આદમી કો મારને કે લિયે 2000 આદમી. યે એડવાન્સ પ્લાનિંગ બિના હો હી નહીં સકતા હૈ. મેરા સન થા 42 સાલ કી ઉમર થી. વો ફેક્ટરી મેં નોકરી કરતા થા ઇલેક્ટ્રિશિયન કી જગહ પર. ઉસકો 5,500 રૂપિયા પગાર મિલતા થા. મેરા પેન્શન તો કમ થા ઓર અભી ભી કમ હૈ ઓર ઉસકા પેમેન્ટ જ્યાદા થા. દો મિલકે સબ ઘર ચલતા થા. તો અભી એ 5,000 કા હર મહિને હમકો ઘાટા પડતા હૈ. આપ સમજો એ ચલાના હૈ. પૂરક આવક જો હમકો માંગતી થી વો તો ચલી ગઈ. કોણ દેગા? તો વો તો વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ કે કાર્યકર્તા ભી થે. તો ભી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ હમારી એ ફાઇલ નહીં રખ સકતે તો વો પૈસા ક્યાં દેગી? સબ પ્યાદા બનાયેગા. આપ સમજતે પ્યાદા હે? શતરંજ મેં ચેસ મેં પહેલે પ્યાદા લગાતે હૈ. તો સબકો પ્યાદા બનાતે હૈ લોગ. જબ શિકસ્ત આતી હૈ તો રાજા ઇધર ઉધર ભાગતા હૈ. મગર પહેલે તો પ્યાદે લોગ તો મર જાતા હી હૈ. તો યે લોગ સબ પ્યાદા બનાતે હૈ પબ્લિક કો. એસા કુછ નહીં હૈ. કોન લોગ બનાતે હૈ પ્યાદા? કોન પોલિટિકલ પીપલ્સ. કોણ કોણ સે લોગ? કોઈ ભી પાર્ટી આવે, કોંગ્રેસ આવે, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ આવે, દૂસરી આવે, મુસ્લિમ લીગ આવે, કોઈ ભી આવે, હું તો લોકો પ્યાદા બનાતી હૈ.
ऐसी सरकार हमको नहीं मांगता है। पहले तो हमने देखा हुआ है यहाँ पे पूरा मैदान था, कुछ था ही नहीं। और जो रायट्स हुए सिटी में, तो मुस्लिम लोग धीरे धीरे यहाँ पे बाहर आके रहने लगे, क्योंकि तो सिटी में उनको भी बहुत तकलीफ होती थी। तो इस एरिया को आप लोग बॉर्डर क्यों बोलते हैं? बॉर्डर हम नहीं लोग बोलते, क्योंकि सब अखबार वालों ने बताया हुआ है। सेंसिटिव इसके लिए मानते हैं कि का लड़के यहाँ तक नज़दीक तक आ जाते हैं उनके, और इधर से नज़दीक तक आ जाए तो सामने पत्थरबाजी हो जाती है, तो सेंसिटिव हो जाता है। जब भी कोई भी जगह पर टेंशन होता है तो यहाँ पर टेंशन हो जाता है। किस तरह का? इस तरह का टेंशन माने कि दोनों लोग रात को जागने लगते हैं। क्यों जागना पड़ता है? जागना तो पड़ेगा यार, आदमी का जीव बचाना है तो नहीं जागना पड़ेगा। लास्ट टाइम ऐसा हुआ अक्षरधाम के टाइम, कुछ लोगों ने यहाँ बुआ बूम शुरू कर दी कि वो लोग आ रहे हैं, मारेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो सब इकट्ठा हो गए, चलो पेट्रोल बम बनाते, ये करते। वो तो जब टेंशन था गोधरा का उस टाइम पे, वो तो दोनों आमने सामने से चले थे। क्या बॉम्ब है ये? पेट्रोल बॉम्ब है। चार महीने तक हमने रात भर हम कोई सोए नहीं है, जो भी भाई खड़े, इवन बच्चे भी दो दो बजे तक रात को जगते थे मेरे साथ। उनके मन में भी ये अभी बचपन में आ गया कि ये मुस्लिम है, हम हिंदू है, उसको मारना चाहिए, ये वो। और कुछ हद तक सही है, बच्चे भी थोड़े पावरफुल तो हो, यहाँ अगर जुहापुरा के नज़दीक रहना है तो कुछ पावरफुल तो होना मांगता है, वरना पूरी सोसाइटी खाली करके भाग जाओ, जैसे सिटी एरिया में हुआ है दरियापुर कालूपुर में। हिंदूज कम्युनिटी ख़त्म हो गई, मकान बेच बेच के जा रहा है, तो वहाँ पर सब पूरा मुस्लिम इलाका हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो गुजरात में तो कैसा, अब यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो पूरे गुजरात में चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पत्थरमारी चालू कर देंगे तो सिटी में हो जाएगा, सिटी में होगा तो बड़ोड़े में हो जाएगा, बड़ोड़े में हो जाएगा तो सब जगह चालू हो जाएगा। वो तो जब हिंसा जब होती है ना तो किसी को मगर नहीं होता है, जब थोड़ा इकट्ठा हो जाता है देर आर क्राउड तो कोई एक किसी की बात नहीं सुनता है। ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा कि अब खत्म हो गया? अब खत्म हो गया। आपको लगता है कि मुस्लिम साइड में भी उनको अब ऐसी कोई भावना नहीं है, सब सेफ्टी महसूस करते हैं? डेफिनेटली। मेजोरिटी ऑफ द पीपल बिलीव्स कि अब अगर हम ऐसा करेंगे तो सामने से भी हो सकता है ऐसा, इसलिए ऐसा बड़ा झगड़ा होने की शक्यता बहुत कम है, जैसा वो खबर फेब्रुआरी में। मतलब पूरा प्लान था, अभी बोलते हैं कि पूरा जॉब पूरा साफ कर देना है। आज भी बैग वगैरह, बोतल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आज तक पड़ा हुआ है ऊपर, एसिड वगैरह। कोई हटाता पुलिस वुलिस बैठी है पीछे टंकी के ऊपर, अभी तक पड़ा हुआ है? अभी तक पड़ा है, थैले वेले सब अभी भी पड़े हैं। आपको कैसे पता? बताया था वहाँ पुलिस वालों ने उठा। आप लोगों ने जाके देखा? हमने यहाँ से नीचे से देखा था। तो हमले के टाइम पे तुम भी यहाँ पे थे? यही रहते हैं। कहाँ से हमला हो रहा था बताओ? टांकी पे हमला होता था, पत्थर मारते ले, चलिए फेंकते ले, सब करते ले, बांडिया ने कार्य बोलते ले, बांडिया शैतान नहीं है, वो लगा दिला, वो टेप लगा दिला, टेप रात को लगा दिला। क्या टेप लगा? कई दिनों तक हम लोग को ये तकलीफे झेलना पड़ी। हम लोग आते थे कितनी कितनी गंदी गाली देते थे, कोर्ट पे चढ़ के कपड़े उतार देते, नंगे हो जाते थे, नंगे हो जाते, और बोलते थे इधर रहने का नहीं, चलो इधर से जाओ, हमारी जान जान लड़कियों को छेड़ते थे, कितनी बदतमीजी करते थे ये सामने वाली बिल्डिंगों से। पूरे नंगे हो जाते, कितना कपड़े से उतार उतार के खड़े हो जाते थे ये तार पे। ये तो कोर्ट अभी ऊँचा करा दिया, जब तो इतना ऊँचा भी नहीं था। इतनी सारी लाइट का बंदोबस्त करा था ना यहाँ पर कि रात को अगर आप एक सुई फेंक दो ना तो आपको सुई मिल जाओ। कहाँ पे लाइट लगाई थी? ये देखो ना आप, ये सब ये लगे ली, वो सामने दीवारों पे भी रखी हुई थी, मैच में जैसा लगाते हैं ना फ्लड लाइट जैसा होता है ऐसा। तो हैलोजन लगा के फायदा क्या होता है? यहाँ का आदमी दिखे ना गोली मारते फावे उसको सामने। वहाँ से हमने देखा था कि करीबन यहाँ से 150 मीटर पीछे सब तलवारें लेके करीबन 400-500 आदमी खड़े हुए थे, क्योंकि दिन में चमक रहे थे इस एरिया में। पास में वो लोग भी नहीं आ पाए थे क्योंकि उनको भी डर था, हेलोजन लाइट्स लगी हुई थी तो उनको भी डर था कि पत्थर उन पर भी पड़ सकते हैं। तो चांद भाई, आप बॉर्डर के इस तरफ रहते हो, ये बॉर्डर के दूसरे तरफ रहते हैं, इन्होंने खुद चमकती हुई तलवारें देखी हैं इधर? ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं हो, सामी वाले आए थे
तो सब पुलिस ये लोगों को दे रही थी साथ, पूरे के पूरे फ्लैट भरे हुए थे, पूरा ढाबा चिक्कार भरा हुआ। अब ये बता रहे हैं कि सब जो है आपकी तरफ से हुआ, बताइए। दोनों तरफ से हुआ पत्थरबाजी, इसमें कोई दोनों तरफ से हुआ। पहले एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पहले उन्होंने किया जी, पहले मुसलमान साइड से आया। अब ये पत्थरबाजी एक ऐसी चीज है, एक भी पत्थर चलेगा तो पूरा चालू हो जाता है, तो कुछ कह नहीं सकते कि इनसे चालू हुआ कि हमारी तरफ से चालू हुआ। ये पूरे बाहर के लोग ही आए थे और उन्होंने किया। मैं तो बाहर के इंसान को क्यों चलने देता हूँ? मैं तो कहता हूँ आप तो यहाँ की बात कर रहे हो, लोग पाकिस्तान से आके दंगा करवाते हैं, उनको क्यों सपोर्ट किया जाता है? अरे जो करते हैं इनको पकड़ो ना। कहाँ से पकड़ेंगे भैया, हम क्यों पकड़ेंगे उसको? आप सपोर्ट नहीं करो, वो तो हम को सपोर्ट नहीं है, हम तो खुद इसके खिलाफ है। अभी अगर हम चाहो एक पत्थर भी मारो तो पुलिस तुरंत ही आके यहाँ पे हाथ टाटे तोड़ नाखेगी या ले भी जाएगी डब्बे में। दूसरी तरफ क्यों नहीं कहते कि जब पुलिस कॉम्बिंग के लिए आती है तो सारे हथियार क्यों नहीं सौंप देते, क्यों उनको रोकता जाता? अगर जो हथियार होते तो हमारी सोसाइटी जलती। आप ये एक सोचो कि अगर जो हमारे पास हथियार होते तो तुम्हारा टोला का टोला ऐसे कैसे हम जला के चले जाते? गोधरा कांड इतनी बड़ी घटना था, उसका रिएक्शन तो होना ही था। एक आध दो आदमी मरे, पूरी बोगी की बोगी जल जाए, वो बहुत बड़ी घटना। बराबर है, बोगी जल जाए और वो बोगी का रिएक्शन पूरे गुजरात में नहीं होना चाहिए, गुजरात गाँव में ही होना चाहिए। आपका कहना सही है पर होता है ऐसा, हर जगह होता है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कांड नहीं होना चाहिए। इसका बच्चों पे रिएक्शन होएगा, वो तो होता ही है बच्चों पे, आने वाली नस्ल पे रिएक्शन होएगा। वही एजुकेशन मेन चीज है, एजुकेशन नहीं है। और जो बड़े बड़े मौलवी हैं वो सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं, एजुकेशन पे ध्यान क्यों नहीं देते? वो सवाल ही नहीं। आज ये विश्व हिंदू परिषद भी अमुक कैंप चलाते हैं या ट्रेनिंग देते हैं या कुछ भी करते हैं, उनके मगज में बच्चों के जहन में कुछ डालते हैं तो वो भी ख़त्म होना चाहिए, हमारा मानना ऐसा है। वो डालते हैं पर वो दिमाग हमारे उसमें इतना तरह से नहीं घुसता है। हमारा दिमाग अपना तरक्की में ही लगा रहता है। मुस्लिम में एजुकेशन है लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी जाती, नौकरी नहीं देता कोई। पहले सबसे पहले नाम पूछते हैं एम क्लास, मुसलमान निकाल दो। उसको जरूरत ही नहीं है मुसलमान, साथ चला रहा है, कोई की मदद ही नहीं है। एच क्लास हो तो बराबर। एच क्लास मतलब हिंदू क्लास। घटना जो हुई है वो सच्चाई है पर इसको कैसे इनके माता पिता रिएक्ट करते हैं ये इनके ऊपर सोचना है। माता पिता रहे ही नहीं तो फिर उसको बच्चे को कौन संभालेगा? तो आपने डॉन बॉस्को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वहाँ पर पूरी हिंदू की बस्ती थी और बीच में हमारी स्कूल थी। दंगे में हमको वहाँ पर बहुत डर लगता था और जाने के लिए और कोई रिक्शा में से ले जाए और बहुत डर लगता था। और रास्ते में बिल्कुल हिंदू इलाका पड़ता था और बॉर्डर के बिल्कुल उस पार था। क्या बोला? कि तुम यहाँ से चले जाओ। किसको बोला? तुमको? पेरेंट्स। क्या बोला उन्होंने बुला के? तुम अपने बच्चे को यहाँ से उठा लो। उन्होंने बताया रीजन? कोई बताया क्यों? तो आपका पूरा नाम? साजिद रफीक भाई मंसूर। यहाँ पे कितने टाइम से? तूफान 35 साल से। तो अभी ये जो पूरा तूफान वगैरह आया उसके बाद धंधे पे क्या असर पड़ा? उसके बाद 25% हो गया है बिजनेस। मार्केट में जो बाहर लोकल पब्लिक ही दिखती है, बाहर गाँव का कोई दिखता नहीं। इसका सोल्यूशन क्या है कि हमेशा के लिए खत्म हो जाए? सोल्यूशन क्या है कि भाई जो ये तो चलता ही रहेगा, जो पब्लिक के अंदर डाल दिया है ये गवर्नमेंट ने, ऐसा गवर्नमेंट भाजपा आने से ये हुआ है, सब तकलीफें इससे हुई है। इस देश को लोकशाही बोलो ही मत, पूरे हिंदुस्तान में लोकशाही है ही नहीं, ये तो पता ही चलता है क्या है। जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। हर किसी को टर्नओवर की जरूरत होती है, किसी को भी। आज समझ लो हम हैं,
हमको शाम तक कलेक्शन हो जाता है, तो समझ लो हम व्यवहार चला सके। लेकिन जो माहौल के अंदर जो चार छः महीने गए उसके अंदर जो दिक्कत हुई वो तो फिर हर किसी को भुगतना ही पड़ता है, छोटे को छोटे की रिश्ते, बड़े को बड़े की रिश्ते। मार्केट में मेरा काफ़ी 50 साल का लगभग तजुर्बा है, तो बहुत क्राइसिस चल रहा है ना अभी, उसकी कई मिसालें ऐसे कई आत्महत्या हुई है और लोग अभी भी इस चीज़ से परेशान हैं क्योंकि अपना जो कर्जा जो तूफान के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ उसको रिकवर कर नहीं पा रहे, तो लेन देन के ऊपर काफ़ी असर पड़ी है, बिज़नेस काफ़ी टूट चुके हैं, करीब करीब 70% बिज़नेस को नुकसान इस वक्त चल रहा है। हाँ बिज़नेस टूटे हुए हैं, बिज़नेस के ऊपर कोई ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं, बिज़नेस को तो लॉस ही चल रहा है, वरना इस टाइम पे कारोबार का ऐसा माहौल रहता था कि बाजार भरे हुए रहते थे और कारोबार खूब होता था। मैंने ऐसे भी सुना कि बाहर के व्यापारी जो गुजरात जी के व्यापारी हाँ वो माल सप्लाई करने में आना खाने हाँ बिल्कुल सही बात है, तो बस इसी वजह से जो पिछले 8 महीने से दंगे हुए और जो पैसा फंसा हुआ वो पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है और उम्मीद नहीं क्योंकि वातावरण अभी भी इतना अच्छा नहीं है, आए दिन मतलब भड़काऊ भाषण होते हैं, उसी वजह से लोगों में दहशत बनी हुई कि भाई अपना पैसे का मतलब आगे तो बड़ा नुकसान हुआ है और नुकसान भुगतने के लिए किसी की तैयारी नहीं है। हम लोगों को उसका कड़वा अनुभव होता है, हम लोग माल के लिए डिमांड करते हैं भाई पिछला भागे, वो लोग बोले आप पिछला रहने दीजिए पर कम से कम नया भी लाओ तो केस लेके जाओ, ये उन लोगों का मांग। हिंदू मुस्लिम की अब जो प्रॉब्लम है इसका कोई फाइनल सोल्यूशन है? वो खत्म जो शुरुआत किया वही खत्म कर सकते हैं, जिसने शुरुआत किया वही खत्म कर सकते हैं। उनको करना नहीं है क्योंकि उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है और मैं मानता हूँ वहां तक ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों? क्योंकि इतने सारे मुसलमानों को ये खत्म कर सकेंगे? जो मोमेडन लोग जो है वो इधर रहते हैं मगर वो पाकिस्तान के इशारे से चलते हैं और अपने को हैरान करते हैं, इसीलिए सब लोग को सब ऐसे तूफान हुआ वो ट्रेन जलाई वो सब किया, तो इसे सब लोग नाराज हैं कि अपने देश में रहना और अपना खाना और अपने को नुकसान करने का वो कैसी बात चलती है। इस समय वो बहुत जड़बा तोड़ जवाब दे दिया अपने हिंदू लोगों ने, वो 25% है 75% उसकी हिम्मत कट गई है। उससे आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है, उसको तो यहाँ तो पहले तो हम ऐसे इससे है कि गुजरात छोड़ना पड़ेगा उसको, वो बाद में वो सारे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। ये हिंदू मुस्लिम की जो समस्या है, इतने बड़े समाज हम नहीं चाहते कि वो शिफ्ट हुए पाकिस्तान जाएं, हम चाहते हैं कि वो यहाँ ही रहें, मगर ये जो 12-14-15 करोड़ हैं, अपन 85-90 करोड़ है हिंदू, तो एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, दोनों एक ही परिवार में साथ में रहते हैं, घर में रहते हैं, यही मानसिकता पैदा करें मुसलमान के भाई हम छोटे भाई हैं, बड़े भाई के साथ उनका सम्मान करें और सम्मान से रहें। मुसलमान अलग नहीं है क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि सर्वस्य तहम हृदि सन्निविष्टो मामे वंशो जीवलोके, तो ऐसे तो UN संघ ने भी कहा है कि गॉड इज विथ मी इन गॉड वी ट्रस्ट यू कैन सी बट आई कैन नॉट सी द फैक्ट एंड अफेक्ट विल सी द वे बट ट्राई एंड ट्राई लास्ट टू बी सक्सेस। बराबर, ये हिंदुस्तान में 23,000 कौम रहती है, कितनी 23,000, हर में एक ही भगवान है, लेकिन नहीं ये जो कुछ दुनिया है, दुनिया वाले दाढ़ी नहीं रखते तो हम दाढ़ी कल के अलग दिखाएंगे कि हम मुसलमान हैं, हर जगह पे एक हमारा ही धर्म महान है, बस हम करें हम कहे वही होना चाहिए। धार्मिक जुनून मुस्लिमों में ज़्यादा है, जो कट्टरवाद एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं वो ज़्यादा है। हाँ वो कैसे खत्म हो सकता है? वो हो सकता है लिटरेसी और क्या कहें सामाजिक जागृति पेट्रियोटिज्म। हिंदू संगठन का दर्शन करावे हिंदू युवान भाई, दरक युवान आज ना तबके एक मैसेज ले जाए क्या हिंदू भाई जैसुदी हिंदू ने रिक्शा हो हिंदू ने रिक्शा ने उपयोग करे, हिंदू भाई हिंदू दुकान ने उपयोग करे,
અને ગમે એવા કપરા સંજોગોની અંદર ત્યારે જયશ્રામનો સ્ટીકર આવે ત્યારે સ્ટીકરને પોતાની રિક્ષા ઉપર પોતાની જીપ ઉપર અને દુકાનવાળા વડીલો એ દુકાન ઉપર ભગવી ઝંડી લગાવે આ મેસેજ લઈ જાય ગામડા ગામડા સુધી सभा उनकी खत्म हुई और पावागढ़ वापस जाने के लिए जब प्रहलाद शास्त्री यहाँ से निकला मेन रोड से कम 50 गाड़ियां लेके वो लोग वापस जा रहे थे तो मुसलमानों के इलाके में से जब वो गुजर रहे थे तो वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे नारे लगाए बहुत गाली गलौज करते थे नौजवान बच्चे जब हद से बाहर हो गए तो उन लोगों ने पत्थर मारे उनको जो जवान लोग हैं उनको संभालने में भी आपको दिक्कत हो रही है बहुत ही दिक्कत यानी कि अभी जो 10 महीने तक भाव मुसीबत से समझाया और जिस रोज उन लोगों ने पत्थर मारा किया उस दिन हम लोगों को उठा के लोग ले गए थे कि बस अब आपका वक्त पूरा हो चुका है आप लोग चले जाइए यहाँ से और अब जब भी यहाँ पे कुछ होगा तो हम नहीं या वो नहीं तो उस दिन तो हम भी कंट्रोल नहीं कर सके थे और आज भी पोजिशन ऐसी है कि एक ऐसा दबा हुआ दबी हुई ऐसी चिंगारी है कुछ भी हो सकता है कभी भी हमारे मुसलमान हमारे ही है ना और किसी ये मुसलमान अफगानिस्तानी मुसलमान नहीं है ना ये अरब के मुसलमान नहीं है ना ये तुर्किस्तान के मुसलमान नहीं है ना ये समरकंद ताशकंद के मुसलमान नहीं है ना हमारे मुसलमान जैसे बीमारी हमारी बीमारी सिरदर्द हमारा सिरदर्द प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम समस्या हमारी समस्या उसी प्रकार से मुसलमान भी हमारे मुसलमान जिन लोगों ने पाकिस्तान बनवाया था उन लोगों की जड़े हिंदुओं के खून से सींच सींच करके एंटोनियो माइनो की कांग्रेस देश में सांप्रदायिकता के वातावरण को फिर से भड़काना चाहती है और देश के फिर टुकड़े करवाना चाहती है लेकिन ये गांधी की कांग्रेस नहीं है ना मोहनदास करमचंद गांधी की कांग्रेस नहीं है ये तो एंटोनियो माइनो उर्फ सोनिया गांधी की कांग्रेस है जो वेटिकन सिटी के पोप के इशारों पर सारे देश को इस्लामिस्तान के ईसाईस्तान के रंग में रंग देना चाहती है और इस्लामी साम्राज्यवाद और ये क्रिश्चियन साम्राज्यवाद दोनों मिलकर के एक हो गए यहाँ पर संसार में 28 देश है मुसलमानों के संसार में 200 से ज्यादा देश है क्रिश्चियंस के ईसाइयों के अभागो तुम्हारा कौन सा देश है तुम कहां जाओगे अमेरिका वालों ने भी बोर्ड लगा दिया नो मोर पटेल्स और पटेल नहीं चाहिए तुम बताओ पाकिस्तान हमारा दोस्त है या दुश्मन है क्या है तो जब दुश्मन है तो फिर या तो दुश्मन हमको खत्म कर दे या हम दुश्मन को खत्म कर दें ये मैं नहीं कहता हमारे राष्ट्रपति प्रोफेसर अब्दुल कलाम हर हफ्ते याद दिलाते रहते हैं कि पाकिस्तान की प्रतीक्षा मत करो जो करना है वो कर डालो जब तक पाकिस्तान को खाकिस्तान नहीं बनाओगे तब तक गुजरात के बेटे और भारत माता की संतानें सुख की नींद नहीं सो सकते बस पाकिस्तान की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देना है और ये काम यहां से शुरू करना है जो तुम यहां आज करोगे कल सारा देश करेगा पूरे हिंदुस्तान में उसकी नकल होगी बोलो जय श्री राम 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय तुम्हारे स्कूल में बाकी बच्चों को ये पता
कि वहाँ क्या हुआ? ये लोगों ने तो 3 साल की इतनी खबर है, पर आ लोगों के भी इतना मरे ही नहीं थे खबर। तुम्हें खबर थी? आपके क्लास में भी कोई मुसलमान बच्ची है? उनका नाम है उम्मेर उम्मा, उम्मा मेर उम्मा। और ये मेरी दोस्त थी पहले, पर वो अब नहीं है। क्यों? अब मेरे दोस्त नहीं है, हम खेलते भी नहीं है। क्यों नहीं अभी दोस्त? उसको तो पता ही नहीं है कि राम सेवक को मरवाया है। तुमने बताया? मैंने नहीं बताया अब तक। मेरे को छोटा घर बनाता था और फूल बनाता था और गाड़ी। बड़े हुए क्या बनोगे? फौजी खाली। फिर वो लोग का जला। किन लोगों? इन दो लोगों का। क्यों? वो लोग ने सच के इसके लिए। वो लोग ने तो गंदा काम किया ना, तो तुम ऐसा गंदा काम क्यों करोगे? मैं तो मारूंगा ही जोर लगा था। क्यों? जरूर मारूंगा। कोई कहेगा तो भी मारूंगा। सब हिंदू लोग गंदे होते हैं? हाँ? सब हिंदू लोग गंदे होते हैं? गाली बोल बोल करते सबको। क्या गाली? मैं बोलता नहीं हूँ गाली, मैं तो खाली बोलता नहीं हूँ। मैं भी हिंदू हूँ। तो मैं तुम्हें गंदा लगता हूँ? नहीं। तो जब तुम फौजी बन जाओगे तो मुझे छोड़ोगे? छोड़ूंगा। छोड़ दोगे मुझे? मैं कोई का जलाता नहीं हूँ, खाली मेरे लोग को हिंदू को मारूंगा। तो मैं भी तो हिंदू हूँ। नहीं, क्या हिंदू होगे? मैं हिंदू नहीं लगता? मैं क्या लगता हूँ तुमको? मुसलमान हूँ। मंदिर भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, मगर तुम हमारे लहू से न खेलो। मंदिर से घर जो खुदा है नदारत, और मस्जिदों में नहीं है जो ईश्वर, तो फिर आदमी के लिए धर्म क्या है? जहाँ कत्ल करने को उठते है खंजर, खुदा को भी ले लो, ईश्वर को भी ले लो, मगर तुम हमारे लहू से न खेलो। तुम राम ले लो, बाबर भी ले लो, मगर तुम हमारे लहू से न खेलो। मंदिर भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, मगर तुम हमारे